हेलो ऑल, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके okay. कल का जो पढ़ा था आप लोगों ने रिवाइज कर लिया? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंधिया डायनेस्टी पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि वो कौन से रीजन में प्रवेश हुई थी। वो ये आप बोल सकते हो कि शिवपुरी, शिवपुर, ग्वालियर, ये ऊपर वाले जो रीजन है जो मध्य प्रदेश का, उसमें प्रवेश हुई थी। पर वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वो उज्जैन से स्टार्ट हुई थी। पहली उसकी कैपिटल क्या थी? वो उज्जैन थी। हमने ग्वालियर रीजन का पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था कि ग्वालियर रीजन कहाँ पर है, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। भिंड आता है, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, ये सब कुछ आता है। और हमने ये भी देख लिया था कि उसका जो सिटी थी वो किसने फाउंड करी थी? वो सूरज सेन ने फाउंड करी थी आफ्टर द नेम ऑफ सेंट ग्वालिपा, है ना। और ये जो ग्वालियर रीजन ने, इसको बहुत सारी डायनेस्टीज ने टाइम टू टाइम रूल किया हुआ था, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहारा दिल्ली सल्तनत के लोग थे, तोमर राजपूत की डायनेस्टी थी, मुगल्स थे और सिंधिया थे। इन सब ने इसको रीजन को रूल किया था। उसके बाद हमने एक क्विक हिस्ट्री जो बोलते हैं इस रीजन की, वो देख ली थी कि कैसे कैसे कब कब ये रीजन किस किस के कंट्रोल में गया, है ना। उसके बाद हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था मराठास का, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने अभी मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया है। तो हमने देखा था कि मराठास कौन थे। वो एक वॉरियर क्लास थे और वो इम्पोर्टेंट पहले पोजिशन रखते थे अहमदनगर किंगडम की निजामशाही में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू करी और अपना एक बोल सकते हैं कि स्टेट एस्टेब्लिश किया, जिसमें कि की रोल जो था वो शिवाजी राव का था, जो कि पहले मतलब जो छत्रपति का टाइटल भी वो करते हैं और हिंदू धर्मोद्धारक का टाइटल जो रहता है वो भी अज्यूम करते हैं। और आपने फिर कल इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा था कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जो पहले डेक्कन स्टेट्स हुए थे, जहां पर ये लोग काम किया करते थे, जहाँ की मिलिट्री का ये पार्ट थे, उन डेक्कन स्टेट्स से इन्फ्लुएंस होकर उन्हीं के लाइन पर इन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किया किया था, एस्टेब्लिश करके रखा हुआ था। अब आपने ये भी देखा कल कि इनके 8 मिनिस्टर्स होते थे, जिनको अष्ट प्रधान, मतलब कि आठ और प्रधान, प्रधान मतलब कि मिनिस्टर्स, अष्ट प्रधान बोला जाता था। और जो भी जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते थे किसको? शिवाजी को, ठीक है, छत्रपति को। आपने उन सबके नाम देखे थे कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं और उनके लिए कौन कौन से पोर्टफोलियोज हैं, उनसे रिलेटेड क्या काम करते हैं वो, ये सब कुछ आपने कल देखा। 8 मिनिस्टर्स जो थे, इसमें एक्सक्यूज मी कोई मैम, कौन? मैम एक स्टूडेंट एडमिट होना चाह रही है, आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके okay. आपने ये देखा कि अष्ट प्रधान थे शिवाजी के, जिसमें 8 मिनिस्टर्स का ग्रुप होता था। उसमें पेशवा होते थे, सर्रे नौबत होते थे, जो मिलिट्री कमांडर होते थे, उनके सेनापति होते थे पेशवा, जो फाइनेंस देखते थे और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। मजुमदार होते थे जो कि अकाउंट्स को देखा करते थे। वकील नवीस होते थे जो इंटेलिजेंस पोस्ट, एक तरीके का होम मिनिस्टर आप बोल सकते हो, वो होते थे। सुरनवीस होते थे जो रॉयल करेस्पॉन्डेंस की केयर करते थे। दबीर होते थे जो फॉरेन रिलेशंस को देखते थे, न्यायाधीश जस्टिस को। और पंडित राव जो थे वो रिलीजियस अफेयर्स और चैरिटेबल ग्रांट्स को देखते थे। साथ ही आपने कल ये भी देखा था कि इनके यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे जो ये वसूलते थे। तो उसमें आपने देखा कि चौथ क्या होता है, सरदेशमुख क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी वो भी आपने कल देखी। और फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि शिवाजी ने किस तरीके से अपना जो स्टेट है उसको एक्सपेंड किया। उसके बाद बीच में बहुत से रूलर्स भी आए। फिर हमने बालाजी विश्वनाथ का देखा कि ये फर्स्ट पेशवा हुए और इनके टाइम पे पेशवा की जो ये सीट थी ये बहुत ही पावरफुल हो गई थी। और इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने डोमिनेंट एक्सपेंशनिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश करी। इसके बाद हमने बालाजी बाजीराव को भी देखा था और देखा था कि उनके टाइम पे क्या होता है कि मराठा कॉन्फेडरेसी का फॉर्मेशन होने लगता है। उसमें क्या रहता है कि वेरियस मराठा क्लैंस जो रहती हैं वो डिफरेंट टेरिटरीज से रूल करती हैं, जो कि हमने ये देखा कि सिंधिया जो थे वो ग्वालियर से रूल करते थे, होलकर्स जो थे वो इंदौर से रूल करते थे, पवार जो थे वो धार या देवास वाले रीजन से रूल करते थे, गायकवाड़ बड़ौदा से रूल करते थे, भोसले जो थे वो नागपुर से रूल करते थे, और पेशवा की जो सीट थी, मेन सीट थी, वो पूना में हुआ करती थी। ये हमने कल देख लिया था।
इसके बाद हमने एक थोड़ा सा और भी देखा था कि औरंगजेब की किस तरीके से डेथ होती है और मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिससे कि नए स्टेट्स को राइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और उसी अपॉर्चुनिटी को का लेवरेज लेते हैं, उसकी एज ले लेते हैं कौन, मराठास, और वो अपना पूरा के पूरा स्टेट जो है वो उसको एक्सपेंड करते हैं, उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन वो करते हैं। कल हमने बैटल ऑफ अमझेरा भी देख लिया था कि ये क्या था, ये मालवा कैंपेन का पार्ट था पेशवा बाजीराव वन का, और इसमें क्या हुआ था कि मराठा आर्मीज ने क्या किया था, मुगल आर्मीज को डिफीट कर दिया था। मुगल आर्मीज को कौन लीड कर रहा था, गिरधर बहादुर और दयाराम बहादुर लीड कर रहे थे। साथ ही हमने कल बुंदेलखंड कैंपेन के बारे में भी जान लिया था कि ये 1729 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें बाजीराव गए थे किसके बुलावे पे, छत्रसाल जो राजा थे बुंदेलखंड के, उनके उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था इनको, तब ये गए थे। उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली कैंपेन की बात हुई थी कि दिल्ली कैंपेन में 1736 से 1737 तक ये लोग दिल्ली को प्लंडर करने गए, दिल्ली के सबक्स को प्लंडर करने गए, और फिर वहां से लौटते समय इनका क्या हुआ था, बैटल ऑफ भोपाल हुआ था। बैटल ऑफ भोपाल को भी हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि शाह मोहम्मद शाह के कहने पर जो हैदराबाद के निजामुल मुल्क थे वो आए थे, उन्होंने कैंप कहाँ लगाया था, उन्होंने भोपाल में कैंप लगाया था। जब उस टाइम भोपाल के नवाब कौन थे, नवाब यार मोहम्मद खान थे, जो कि मतलब इन दोनों ने आपस में वो कर लिया था, इन दोनों ने साथ में मिलके सोचा था कि इन पे बाजीराव पे हम हमला बोल देंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। इनकी जो फूड की और बाकी नेसेसिटीज की लाइंस होती हैं वो कट कर दी जाती हैं, और फिर एट दी एंड इनको एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था दोराहा सराय नाम की जगह पर ऑन 7th of January 1738। ठीक है, हमने बैटल ऑफ भोपाल को पूरा की पूरा डिटेल में कर लिया था। फिर हमने सिंधिया डायनेस्टी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लिया था कि सिंधिया कौन है, मराठा रूलिंग फैमिली है ग्वालियर की, और इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में। हमने ये भी जाना था कल कि सिंधिया जो है वो शिंदे वर्ड से, शिंदे का एंग्लिसाइज्ड वर्ड है, इसीलिए इस डायनेस्टी को शिंदे शाही भी कहा जाता है। और ये भी देखा था कि इसके जो फाउंडर थे वो रणोजी सिंधिया थे, इसकी फर्स्ट कैपिटल जो थी वो उज्जैन में थी, और फिर उसके बाद ये कैपिटल जो है वो ग्वालियर में शिफ्ट कर दी जाती है। हमने पूरे सक्सेसर्स की लिस्ट देख ली थी इनके कि कौन कौन से सक्सेसर्स आए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ, ये पूरा हमने इनका लिस्ट देख लिया था। अब हमने रानोजी सिंधिया के बारे में पढ़ लिया था कल, जहां तक मुझको याद है कि रानोजी सिंधिया जो है ये फाउंडर थे, इन्होंने कब से कब तक रूल किया, इन्होंने 1731 से लेकर 1745 तक रूल किया था। ये किसके सन थे, ये पाटिल जनकोजी राव के सन थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कन्हेर खेड़ा के रहने वाले थे। ये पगा थे, पगा मतलब जो पैदल सेना रहती है उसका पार्ट थे ये, और फिर इन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया था, पेशवा का पर्सनल बॉडीगार्ड बन के इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और इन्होंने साथ में मतलब कई सारे बैटल्स लड़े, ये सब कुछ हमने कल देखा था। और ये भी देखा था कि पेशवा के टाइम पे ये बहुत हाई रैंक तक उठ कर जाते हैं और इन्हें टाइटल भी मिलता है, ये सब कुछ हम कल देख चुके थे। रणोजी सिंधिया की डेथ हो जाती है 1745 में, और तब तक इनकी कैपिटल जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी रहती है इंदौर में, और बाद में ये कैपिटल ग्वालियर में लाई जाती है, ये भी हमने कल पूरा की पूरा देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि जयप्पा राव सिंधिया जो थे वो रणोजी राव सिंधिया के सक्सेसर बनते हैं, और इनको दादा साहब भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने भी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये रूल किया था अपना सिंधिया डायनेस्टी 1745 से लेकर 1755 तक, और इनका जो असैसिनेशन है वो खोखर खान और कान सिंह नाम के दो व्यक्तियों ने कर दिया था, जो कि इनकी पुरानी जो एनिमिटी थी जोधपुर के राजा उनकी वजह से। यहाँ तक हमने कल पूरा देख लिया था। जनकोजी राव सिंधिया तो नहीं हुआ था ना कल? नो मैम। ठीक है, अब हम जनकोजी राव सिंधिया को पढ़ेंगे। ठीक है, जनकोजी राव शिंदे या सिंधिया बोल लीजिए, ये थर्ड महाराजा होते हैं ग्वालियर स्टेट के। ये कब से कब तक रूल करते हैं, ये 1755 से लेकर 1761 तक ये रूल करते हैं। ठीक है, ये कब बनते हैं, जब इनके फादर जयप्पा राव की डेथ हो जाती है उसके बाद ये बन जाते हैं यहाँ के महाराजा ग्वालियर के। ये होते कौन है, ये उनके बड़े बेटे नहीं होते हैं, ये उनके छोटे बेटे होते हैं। ठीक है, और ये जो ये पोस्ट है ये इन्हीं के फादर के डेथ के टाइम पर ही ये ज्वाइन कर लेते हैं। अब होता क्या है कि ये सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ही रूल कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम ये छोटे रहते हैं तो रीजेंसी इस्टेब्लिश कर दी जाती है इनके नाम पे, और जो कि इनके अंकल जो रहते हैं दत्ता जी राव शिंदे,
वो देखते रहते हैं। मतलब जयप्पा राव जो इनके फादर थे, जयप्पा राव सिंधिया जो इनके फादर थे है ना, उनके जो भाई रहते हैं दत्ताजी राव शिंदे, उनके उनके आप बोल सकते हो कि उनकी हेडशिप में एक रीजेंसी क्रिएट कर दी जाती है, और उसमें ये मतलब उसके तहत वो बना दिए जाते हैं, किंग बना दिए जाते हैं। ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था उसको लड़ने के लिए अफगान्स के साथ। वो उन्होंने, और वो कब हुआ था? वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली जो था उसके बीच में हुआ था। और ये इतना मतलब आप ये समझ लो कि इसमें मराठास की जो थी वो डिफीट हो गई थी, और इसमें क्या किया था, जो मराठा एम्बिशन था कि वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, उस पे इसने फुल स्टॉप लगा दिया था, है ना। और इस अब जब ये इतनी बुरी तरीके से डिफीट हो जाएंगे तो उससे उसका असर क्या होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जो पेशवा की जो पावर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। बिकॉज अगर कोई राजा है, कोई किंग है, वो विक्टोरियस होता है, वो जीतता है किसी बैटल में, तो उसकी पावर इंक्रीज होती है, और अगर वो हार जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि उसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो था, मतलब ये जो पानीपत की जो हार थी, ये इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि इसने जो पेशवा थे उनको भी बहुत ज्यादा शॉक किया था, और इसी के शॉक की वजह से ही उनकी डेथ हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। ये जो बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, इसको आप बहुत डिटेल में जब आपकी मेडिवल हिस्ट्री होगी आप तब भी इसको पूरा के पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम ये भी फॉल हो जाते हैं, और जो इनका थ्रोन रहता है वो कुछ टाइम के लिए वैकेंट रहता है। बिकॉज एक आप ये बोल सकते हो कि कंफ्यूजन की स्टेट रहती है कि ये हैं भी या नहीं है, बिकॉज इनकी डेथ हो चुकी रहती है, लेकिन बहुत से पर्सन इनको इम्पर्सोनेट करते रहते हैं कि मैं हूँ, मैं जनकोजी राव हूँ। तो एक तरीके से ये थ्रोन जो है थोड़े टाइम के लिए खाली रहता है, मतलब कोई आइडेंटिफाइड रूलर नहीं रहता है, छोटा रूलर रहता है लेकिन कोई आइडेंटिफाइड जो रूलर रहता है वो नहीं रहता है। इनके बाद आते हैं महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया का दूसरा नाम जो है वो माधोराव सिंधिया भी होता है, और ये जो हैं ये माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। बिकॉज इन्होंने इतना कुछ काम किया है, इतना कुछ इन्होंने एक्सपेंशन किया अपने टाइम पर, कि ये रियल माने जाते हैं फाउंडर किसके, सिंधिया डायनेस्टी के, है ना। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? इन्होंने रूल किया 1761 से लेकर 1794 तक। इनका जन्म कब हुआ था, ये कब बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे 3 दिसंबर 1730 को ये बॉर्न हुए थे, ठीक है। ये कौन थे? जो रणोजी राव सिंधिया थे, रणोजी राव सिंधिया कौन थे? फाउंडर थे सिंधिया डायनेस्टी के। रणोजी राव सिंधिया जो फाउंडर थे सिंधिया डायनेस्टी के, ये उनके यंगेस्ट सन थे, सबसे छोटे बेटे जो थे वो थे ये महादजी सिंधिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बहुत सारे बैटल्स लड़े। किससे लड़े? ब्रिटिशर से भी लड़े, राजपूत से भी लड़े, आप देखेंगे रोहिल्ला से भी लड़े, इन्होंने रोहिल्ला से भी लड़े, सिख से भी लड़े, इन्होंने बहुत से लोगों के साथ बहुत सारे बैटल्स लड़े। और उन बैटल्स का रिजल्ट क्या हुआ कि इन्होंने अपनी टेरिटरी को काफी एक्सपेंड किया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन इनके टाइम पे बहुत हुआ। अब कोई जो स्टेट है वो बहुत सारे बैटल्स लड़ रहा है, बहुत कुछ जीत रहा है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका जो आप ये बोल सकते हो कि उसकी पावर और उसका स्टेटस दोनों राइज होगा। तो इनके टाइम पे ग्वालियर स्टेट का स्टेटस बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया था। इन्होंने ग्वालियर स्टेट को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बना दिया था, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिक्स में। इन व्हाट? नॉर्थ पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया मराठा एम्पायर को नॉर्थ इंडिया में। इन्होंने अपनी टेरिटरीज का भी एक्सपेंशन किया जैसे मैंने आपको बताया। अब इन्होंने इतना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया कि आप सोचिए कि ये मालवा वाले रीजन से इनकी शुरुआत हुई थी इनके एंसेस्टर्स की, और इन्होंने कुछ रीजन जो गंगा यमुना दोआब का होता है, दोआब का मीनिंग आप लोग समझते हैं ना, दोआब का मीनिंग समझते हैं? यस मैम। ठीक है, गंगा यमुना दोआब का जो रीजन होता है वो
और पंजाब का भी कुछ रीजन इन्होंने क्या किया, अपने कंट्रोल में कर लिया और वहां से जो है ट्रिब्यूट लेने लगे। वहां जो सिख सरदार होते थे, जो सिख सतलज रीजन आज का जो आप बोल लो पंजाब का और हरियाणा का जो रीजन है वो वाला रीजन आप ले लीजिए अगर, तो उस रीजन से भी ये ट्रिब्यूट्स लेने लगे। इन्होंने इतना ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। तो अभी तक हमने क्या जाना महजी सिंधिया के बारे में, कि ये माधवराव सिंधिया इनका दूसरा नाम था, इनको बहुत बार माधवराव सिंधिया वन भी बोला जाता है। ठीक है, बॉर्न ये कब हुए थे, ये 3 दिसंबर 1730 को बॉर्न हुए थे। इन्होंने रूल कब से कब तक किया, इन्होंने 1761 से लेकर 1794 तक रूल किया। ये माने जाते हैं कि ये रियल फाउंडर थे सिंधिया डायनेस्टी के, बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया और उसको एक नई जेनिथ तक ले गए। ये जो थे ये यंगेस्ट सन थे किसके, जो रणोजी राव सिंधिया थे जो कि फाउंडर थे सिंधिया डायनेस्टी के। इन्होंने बहुत सारे बैटल्स किए, किसके साथ किए, ब्रिटिशर्स के साथ किए और राजपूत के भी साथ किए, रोहिल्लास के साथ किए, सिक्स के साथ भी किए। इन्होंने स्ट्रेंथन किया मराठा एम्पायर को इन नॉर्थ इंडिया और अपनी बहुत सारी टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल इन्होंने जमा लिया, जिसमें कि गंगा यमुना दुआब वाला रीजन था और पंजाब का भी कुछ रीजन था। अब आप देखें कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते जा रहे हैं, लेकिन अगर इनके जो सक्सेसर्स रहेंगे वो वीक रहेंगे तो वो इस टेरिटरी को इंटैक्ट नहीं रख पाएंगे, टेरिटरी जो है वो इंटैक्ट नहीं रह पाएगी, उस पे इनका कंट्रोल जो है, कंट्रोल जो रहेगा इनका सिंधियास का वो लॉस्ट हो जाएगा। और यही होता भी है आगे जाके, बिकॉज इनके सक्सेसर जो रहते हैं वो वीक रहते हैं, वो जब बैटल्स करते हैं तो वो हार जाते हैं और ये जो टेरिटरीज जो इन्होंने एक्वायर करी रहती हैं अपने एक्सपेंशन से, अपनी बैटल्स लड़के, वो सब वो लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि ग्वालियर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बन चुका है मराठास के लिए, किसकी लीडरशिप में, महदजी सिंधिया की लीडरशिप में। इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1782 तक होता है। वॉर क्या होता है, वॉर जो रहता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होता है, वो सीरीज ऑफ बैटल रहती है एट डिफरेंट टाइप पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें बहुत से बैटल्स होते हैं। और ये वॉर जो रहता है ये 1775 से लेकर 1782 तक ये चलता रहता है। और इसमें क्या रहता है, ये अभी आप इसको एज अ फैक्ट याद रखिए, इसके बाद हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे कुछ स्लाइड्स बाद। ठीक है, कि ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि महजी सिंधिया के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, लेकिन अब उस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में सिंधियास का क्या रोल था ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या, ये क्या करते हैं, और जैसे ये जैसा हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हुए आ रहे थे उसी कंटिन्यूएशन में इसको लीजिएगा, कि ये और क्या करते हैं, ये एक पावरफुल आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जो फ्रेंच ऑफिसर्स रहते हैं उनकी हेल्प लेके। और ये क्या करते हैं, ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना कंट्रोल ओवर एम्परर शाह आलम। शाह आलम जो रहते हैं मुगल एम्परर उस टाइम के 1784 में, उनके ऊपर अपना कंट्रोल ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो रहते हैं ये वीक रूलर रहते हैं, जो उस टाइम के ये जो मुगल एम्परर रहते हैं ये वीक रूलर रहते हैं, और एक व्यक्ति रहता है नाजिब खान करके, वो इनसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है उस टाइम पर, और इन्हीं को मतलब इनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आउटसेट कर देता है इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इनको क्या चाहिए रहती है, इनको शरण चाहिए रहती है, इनको किसी का संरक्षण चाहिए रहता है, तो उनको जो महजी सिंधिया रहते हैं वो संरक्षण देते हैं। और ये क्या करते हैं कि एम्परर से ये सिक्योर कर लेते हैं, क्या ये बोलते हैं कि पेशवा को आप अपना नतवी मुनायब बना दो। नतवी मुनायब मतलब कि एम्परर जो है उसका आप डेप्यूटी बना दो, किसको, पेशवा को, बिकॉज अभी पेशवा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट बन चुकी है ना, मराठास के हेड हैं वो। तो ये बोलते हैं कि आप मुगल एम्परर को कि आप जो है अपना नतवी मुनायब बना दो और फिर हम आपकी डिफेंस करेंगे, आपको संरक्षण देंगे। ठीक है, तो ये कि और ये भी रहता है उसमें साथ में कि महदजी जो रहेंगे वो किसके बिहाफ पे एक्ट करेंगे, मतलब पेशवा जो रहेगा वो नतवी मुनायब रहेंगे, पेशवा जो रहेंगे उनको एम्परर डेप्यूटी एम्परर अपॉइंट कर दिया जाएगा, लेकिन जो पेशवा के बिहाफ पर जो एक्ट करेगा वो कौन एक्ट करेगा, वो महदजी सिंधिया जो रहेंगे वो एक्ट करेंगे। अब इससे आप इनकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, कि मुगल एम्परर
की बात हो रही है और साथ में पेशवा की बात हो रही है, और पेशवा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका नाम लिया जा रहा है, महतजी सिंधिया का नाम लिया जा रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि महतजी सिंधिया ने कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो उस टाइम तक गेन कर ली थी। मुगल्स ने महतजी सिंधिया को दो टाइटल और दिए, जिसमें एक था आमिर उल उमारा, मतलब कि जो आमिर होते हैं उनका जो हेड होता है उसको, और दूसरा इन्होंने को टाइटल दिया वकीली मुतालक, मतलब कि रीजेंट। रीजेंट किसका, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जिसका ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके रीजेंट ये हैं, है ना, कि उनके बिहाफ पर ये रूल कर रहे हैं। तो ये दो, अगर अभी कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको एनकाउंटर कर सकते हो कि हाँ इनको कौन से दो टाइटल्स मिले थे, इनको आमिर उल उमारा का टाइटल मिला था और वकीली मुतलक का टाइटल मिला था। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा नतबी मुनायब, क्योंकि नतबी मुनायब जो थे वो टाइटल जो दिया गया था वो पेशवा को अपॉइंट किया गया था, वो महतजी को अपॉइंट नहीं किया गया था। महतजी के लिए ये दो टाइटल्स ही थे, आमिर उल उमारा और वकीली मुतलक, और जो पेशवा था उसको ये नतबी मुनायब वाला टाइटल जो था, जो डेप्यूटी एम्परर कहलाता है, वो चीज इसको दी गई थी, किनको, पेशवा को दी गई थी। ठीक है, अब महतजी सिंधिया जो थे इस टाइम तक, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो बहुत सारी जो क्लैंस आई थी, हमने देखा था यहाँ पे ये जो क्लैंस आई थी, मैंने कल बताया था आपको कि ये आपस में ही एक दूसरे से वॉर करने लगती हैं, और ये टाइम जो है ये महतजी सिंधिया के टाइम तक आ चुका है। सिंधिया का भी वॉर जो रहता है वो होलकर से होता रहता है बहुत टाइम तक। तो ये देखिए यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि ही वॉज बिटर एनिमी ऑफ होलकर ऑफ इंदौर। उनकी डेथ हो जाती है कब, 12th फरवरी 1794 को वनबावड़ी में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब इनकी डेथ होती है तब कोई इनका हायर नहीं होता है, मतलब कोई भी इनका सक्सेसर नहीं होता है उस टाइम पर। अब यहाँ पे एक आप फैक्ट जान लीजिए कि शिंदे छतरी जो है वो वानावड़ी पुणे में है, और ये क्या है, ये एक मेमोरियल है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये इनकी समाधि है, महतजी सिंधिया की समाधि है, डेडिकेटेड टू महतजी, और ये एक हॉल टाइप का है जो कि वही जगह पर बना है जहाँ पे महतजी सिंधिया का अंतिम संस्कार हुआ था, जहाँ पे क्रिमेशन हुआ था उनका, कब, 12th फरवरी 1794 को। ये क्या है, ये 3-story मेमोरियल है, और इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा है, ये राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। अगर शिंदे छतरी पे आपको क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये वनावड़ी में है, पुणे में है। ये है तो मध्य प्रदेश से बाहर, लेकिन अब चूंकि महतजी सिंधिया जो है वो सिंधिया डायनेस्टी के हेड रह चुके हैं, तो इसलिए हम इसको जान ले रहे हैं। अब सिंधिया का रोल जो था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, जो कि 1775 से लेकर 82 तक हुआ, उसमें सिंधिया का रोल क्या था। महतजी सिंधिया जो थे वो उस टाइम तक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ चुके थे, है ना, और क्या था कि इन्होंने उस टाइम पे क्या किया कि जो मराठा आर्मीज थी उनको लीड किया। मराठा आर्मी को किसने लीड किया, महतजी सिंधिया ने लीड किया। और इन्होंने ये भी क्या करते थे, जैसे शिवाजी के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वो गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करते थे, तो उनके आगे के भी जो सक्सेसर्स थे वो भी उस टैक्टिक को यूज करते थे, तो कुछ ट्रेड्स इनमें भी थे वो गुरिल्ला टैक्टिक को यूज करने वाले। महतजी ने क्या किया कि जो इंग्लिश आर्मी थी, जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, उसको इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ल्यूर किया कि आप जो माउंटेन पासेस हैं उसमें आप घाट्स के बीच में उनको, मतलब एक तरीके से वहां पे ट्रैप करने का इन्होंने प्लान किया कि उनको पूरे साइड से ट्रैप कर लिया जाएगा, और फिर उनकी जहाँ से सप्लाई होती है खोपली में, जहाँ से इंग्लिश सप्लाई होती है उनके खाने पीने का और बाकी जरूरत का सामान जहाँ से सप्लाई होता है, उस जगह को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो फिर ये लोग जो रहेंगे इनको परेशानी होगी इंग्लिश आर्मी को, और फिर इनसे जीतना जो रहेगा वो आसान हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, महतजी ल्यूड द इंग्लिश आर्मी इन टू द घाट्स, मतलब की माउंटेन पासिस नियर तालेगांव, ये महाराष्ट्र में जगह है पुणे के पास में, एंड ट्रैप्ड द इंग्लिश from all sides and attacked the British supply base at Khopoli. क्या किया कि ब्रिटिश आर्मी जो थी उसको कहाँ पे ट्रैप कर लिया, तालेगांव के पास कर लिया, from all sides सभी तरफ से उनको ट्रैप कर लिया, और फिर उसके बाद उनकी सप्लाईज का जो सामान था जो खोपली से आता था वो उन्होंने रोक दिया। अब इससे क्या होगा कि ये लोग परेशान होंगे ही होंगे, और साथ में इन्होंने क्या किया, मराठास जब ये वॉर कर रहे थे तो ये एक पॉलिसी अपनाते थे स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी की। ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी जो है
ये अभी भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी थोड़े दिन पहले, तो इसका आप मीनिंग जान लीजिए। स्कॉच अर्थ पॉलिसी जो होती है वो ये होती है कि जब दो लोगों में लड़ाई हो रही होती है तो क्या करता है कि अगर कोई पहला पर्सन उस जगह किसी टेरिटरी को छोड़कर जा रहा होता है या किसी जगह को छोड़कर जा रहा होता है, तो वो उस टेरिटरी को लीव करने से पहले वहां पे जो कुछ भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट या असेट जो उसके एनिमी के काम आ सकता है उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हर तरीके से। हालांकि इसमें कुछ अभी जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके अंडर में स्कॉच अर्थ पॉलिसी जो है वो थोड़ी एक्सटेंट तक बैन है कि आप ऐसी चीजों को, मतलब जो सिविलियन से रिलेटेड है उन चीजों को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। बाकी ये पहले बहुत ज्यादा फॉलो करी जाती थी स्कॉच अर्थ पॉलिसी। तो अभी इसका आप लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि जब अमेरिका ने तालिबान से रिट्रीट किया तो वहां पे जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह खड़े थे उन सब चीजों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस टाइप का कर दिया कि वो आगे यूज नहीं हो सकते हैं। तो ये भी वो जो किया उन्होंने वो भी इसी में आता है, स्कॉच अर्थ पॉलिसी में। तो मराठास भी क्या किए, उन्होंने भी स्कॉच अर्थ पॉलिसी फॉलो करी और उन्होंने क्या किया कि वहां पे आसपास के जो फार्म लैंड थे जो कि ब्रिटिशर्स के काम आ सकते थे उनको पूरा जला दिया, मतलब जिससे कि उनका दाना पानी बंद हो जाए। और जो वेल्स थे, जो कुएं थे, पानी के जो कुएं थे जहां से उनका ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती थी, उन सब में पॉइजनिंग कर दी, उन सब में जहर घोल दिया, मतलब जहर की पुड़ियाएं डाल दी। तो उससे क्या हुआ कि अब इंग्लिश के लिए और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो टूटने लगते हैं, जो इंग्लिश फोर्सेस रहती हैं वो टूटने लगते हैं और मराठास अब उनको अटैक करेंगे। अब ये इतना ऐसा अटैक करते हैं कि इनको यहाँ से तालेगांव को छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है, वडगांव की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे इतना ये जो समझाया गया है, ये बताया गया है कि ये जो टैक्टिक्स थी जो मराठास ने महादजी सिंधिया की कमांडरशिप में फॉलो करी थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, यहाँ पर वो बताई गई है आपको पूरी की पूरी। अब उसके बाद क्या होता है, महाजी से यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश आर्मी जो रहती है अब वो पूरी तरीके से घिर चुकी है ना, और उसके पास खाना भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो अब इन सब से क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने स्कॉच डट पॉलिसी फॉलो करी है ना, इन्होंने क्या किया कि इनका जो खोपली पर बेस था उसको भी इन्होंने अटैक कर दिया, इनको तीनों तरफ से घेर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इनका भी जो मनोबल है वो टूटेगा इंग्लिश का, और अंततः ये क्या करते हैं, ये सरेंडर कर देते हैं। कौन सरेंडर कर देता है, जो इंग्लिश रहते हैं वो सरेंडर कर देते हैं 1779 में, और एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ वडगांव जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, अब ये क्या करती है ट्रीटी ऑफ वडगांव की जो कंडीशंस रहती हैं वो इस टाइप की कंडीशंस रहती हैं जो कि फोर्स करती हैं किसको, बॉम्बे गवर्नमेंट को, मतलब कि ब्रिटिशर्स को फोर्स करती हैं कि वो अपने जितनी भी उन्होंने इससे पहले की जो टेरिटरीज एक्वायर करी थी 1775 से उन सबको रेलिंक्विश कर दे, उन सबको छोड़ दे, अपना अधिकार जो है उसके ऊपर से हटा ले, अपना कंट्रोल जो है उसके ऊपर से हटा ले। ठीक है, लेकिन ये जो रहती है, ये ट्रीटी ऑफ वडगांव जो रहती है, इसकी जो कंडीशंस रहती हैं वो ब्रिटिश के जो हेड रहते हैं उस टाइम पे, जो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स जो रहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये उनको अनएक्सेप्टेबल होती हैं, उनको ये अनएक्सेप्टेबल होती हैं, और वो बोलते हैं कि मैं इस ट्रीटी को रिजेक्ट करता हूँ। किसको रिजेक्ट करता हूँ, ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। और वो क्या करते हैं, अब चूंकि यहाँ पर तो वो एक तरीके से हार चुके हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव जिसका रिजल्ट है ना, तो अब वो क्या करेंगे, वो ज्यादा फोर्सेस भेजेंगे। वो क्या करते हैं, वो ज्यादा फोर्सेस भेजते हैं किसके अंडर में, कोलोनल गोडार्ड करके उनके एक आर्मी ऑफिसर रहते हैं, मिलिट्री ऑफिसर रहते हैं उनके उसमें, उनकी आप बोल सकते हैं कि लीडरशिप में। वो क्या करते हैं, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, अपने बहुत ज्यादा फोर्सेस को भेजते हैं। ठीक है, अब ये जो रहते हैं ये बहुत ही कैपेबल रहते हैं, और इसके साथ ही क्या होता है कि ये एक और डिटैचमेंट जो रहता है बंगाल से, एक और डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पे मिलिट्री यूनिट है। मैम वहां पे सालाबाई लिखा, सालबाई लिखा हुआ था। हाँ, अभी देखिए मैंने आपको बताया ना कि इस ट्रीटी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब इसके बाद जो सर्कमस्टेंसेस होंगे उसका रिजल्ट होगी ट्रीटी ऑफ सालबाई। अभी आप सुनो, आपको समझ में आ जाएगा।
ट्रीटी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब ट्रीटी ऑफ वडगांव की जो कंडीशंस हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं है तो उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप वापस से बैटल करिए या तो आप ट्रीटी की कंडीशंस को एक्सेप्ट करिए। तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो आगे और अटैक करने की सोचेंगे। तो यही होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव के कंडीशंस को और वो अपनी लार्ज फोर्सेस भेजते हैं कोनोलल गोडार्ड के लीडरशिप में, और साथ में ही वो बंगाल से एक मिलिट्री यूनिट भी भेजते हैं जिसको कौन लीड कर रहा होता है, जिसको लीड कर रहे होते हैं कैप्टन पोफेम, जो कि क्या करते हैं, अब ये लोग तो कर, ये जो आया है ये दूसरी जगहों को कैप्चर कर ही रहे हैं, कोलोनल गोडार्ड वाली चीज जो है, कोलोनल गोडार्ड के अंदर में जो फोर्सेज हैं वो बाकी एरियाज को भी कैप्चर कर रहे हैं। अब चूंकि हमारा जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है वो क्या है, वो ग्वालियर है, बिकॉज हम सिंधिया डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं। तो हम स्पेसिफिक होकर जाएं अगर तो बंगाल से जो एक मिलिट्री यूनिट आती है जिसको कि लीड कर रहे होते हैं कौन, कैप्टन पोफम, तो वो कैप्चर कर लेते हैं ग्वालियर को कब, अगस्त 1718 में। मतलब पहले आप देखिए, पहले मराठास ने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वो एक ट्रीटी साइन करें और उनकी कंडीशंस को माने, अब जब इन्होंने रिटेलिएट किया है वापस से तो अब इन्होंने कैप्चर कर लिया है ग्वालियर को 1780 में। अब क्या होता है कि 1781 आते आते इंग्लिश जो रहते हैं वो सिंधिया को फाइनली डिफीट कर देते हैं सीपरी नाम की एक जगह पर। अब सिंधिया जो है, अब वो इनका ग्वालियर पर भी कैप्चर हो चुका है और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा हार का मजा जो है वो चख चुके हैं सीपरी में, तो ये क्या करते हैं, ये एक नई ट्रीटी प्रपोज करते हैं, बोलते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, आपको ट्रीटी ऑफ वडगांव जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन एक नई ट्रीटी बनाते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक नई ट्रीटी करते हैं किसके किसके बीच, पेशवा जो रहते हैं उस टाइम के वो, और इंग्लिश जो रहती है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है उसके बीच में वो बोलते हैं कि एक नई ट्रीटी बनाते हैं जिसको ट्रीटी ऑफ सेल्बाय कहा जाता है। और जो ट्रीटी ऑफ सेल्बाय होती है वो कब साइन करी गई होती है, वो साइन करी गई होती है मई 1782 में। इसीलिए यहाँ पे जो ये डला हुआ था, आपका हेडिंग डला हुआ था, वो ट्रीटी ऑफ सेल्बाय था, बिकॉज ट्रीटी ऑफ वडगांव तो यहाँ पे खत्म हो गई है ना। अब ट्रीटी ऑफ वडगांव को जब एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसके बाद के जो इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से ये ट्रीटी ऑफ सेल्बाय होती है 1782 में। तो वो चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई। अब आगे समझ में, आप जो कंफ्यूज हो रहे थे पहले, हाँ, आ गया, हाँ ठीक है। अब क्या होता है कि सिंधियाज जो है एक नई ट्रीटी प्रपोज करते हैं, वो बोलते हैं कि हम पेशवा के बीच में और इंग्लिश के बीच में कि हम ऐसा करते हैं ट्रीटी ऑफ जो सेल्बाय है वो करते हैं। अब ये ट्रीटी ऑफ सेल्बाय साइन कब की गई रहती है, ये साइन की गई रहती है मई 1782 में, है ना। और इसको रेटिफाई कौन करता है, इसको इंग्लिश की तरफ से मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, वो इसको रेटिफाई करते हैं और मराठास भी इसको रेटिफाई करते हैं। जून 1782 में ये रेटिफाई करते हैं और फरवरी 1783 में ये रेटिफाई कर लेते हैं। अब इस ट्रीटी के कंडीशंस क्या रहते हैं, ये ट्रीटी जो रहती है ये बोलती है कि पीस दोनों के बीच में रहेगा, बिकॉज ये जो रहता है ना, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर रहता है, ये इन मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं रहता है, आप ये बोल सकते हो कि इसका कोई भी, इसमें कोई भी जीता या हारा नहीं रहता है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं रहता है। तो ये बोलते हैं कि जब कोई नहीं जीता तो ऐसा करते हैं कि शांति बना लेते हैं, हम शांति स्थापित कर लेते हैं, और यही यहाँ पर भी होता है। ये बोलते हैं कि दोनों साइड जो हैं 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए एक दूसरे से वॉर नहीं करेंगे। और महाजी सिंधिया जो रहते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है म्यूचुअल गारंटर, मतलब कि ब्रिटिशर्स की तरफ से भी और मराठास की तरफ से भी म्यूचुअल गारंटर उनको अपॉइंट किया जाता है कि ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सेल्बाय जो है, इसके जो जितने भी कंडीशंस हैं उनका प्रॉपर ऑब्जर्वेंस, मतलब आप देखो कि दोनों पार्टी जो हैं उस दोनों पार्टीज मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा, वो दोनों पार्टीज जो हैं वो इस ट्रीटी की सभी जो कंडीशंस हैं उससे वो कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मतलब दोनों उसकी कंडीशंस को मान रही हैं या नहीं मान रही हैं, कि एक ऐसा नहीं हो कि आगे जाके कोई उससे अलग चला जाए। तो इसके और भी ज्यादा जो रहते हैं,
ट्रीटी ऑफ सलबाय के, ये तो अभी आपने इन शॉर्ट देख लिया कि हाँ ये पीस ट्रीटी रहती है एक तरीके की, आप ये बोल सकते हो। इसके और भी बहुत सारे जो कंडीशंस रहते हैं वो ये रहते हैं कि सबसे पहले तो क्या रहेगा कि इंग्लिश को ना इनके रीजन में, मराठास के रीजन में क्या मिलेगा, ट्रेड की प्रिविलेजेस, ट्रेड करने की जो रहेंगी प्रिविलेजेस इनको मिलेंगी। साथ में इन्होंने ये भी मतलब बोलते हैं कि आप किसी और से जो भी फॉरेन रिलेशन है उनको आप नहीं रखोगे। इस टाइप की और भी सारी जो इसमें कंडीशंस रहती हैं वो सारी की सारी डाल दी जाती हैं किसमें, ट्रीटी ऑफ सलबाय में, है ना। अब देखिए आप इसके आगे, और जो इसमें एक चीज और रहती है कि जो भी टेरिटरीज हैं ये जो रहती है ना इसमें, ये लोग एक उस पे बनते हैं, एग्रीमेंट पे आते हैं कि जितनी भी टेरिटरीज वेस्ट ऑफ यमुना है वो सिंधिया को लौटा दी जाएंगी। और इनको बोला जाता है कि ठीक है कि आप आ जाओ वापस, आ जाओ अपनी जगह पे, जो पहले कैप्चर कर लिया था इंग्लिश ने उनको बोला जाता है कि आप आ जाइए वापस अपनी जगह पे, उज्जैन उस टाइम पर इनकी कैपिटल रहती है, कि आप उज्जैन से आकर आप आ जाइए। अब यहाँ पे ये जो इनका रोल है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है सिंधिया का, किसमें, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। अगर आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में सिंधिया डायनेस्टी का रोल लिखने को आएगा तो सबसे पहले आप उसमें महदजी सिंधिया का नाम लिखेंगे कि महदजी सिंधिया थे उस टाइम पर, सिंधिया डायनेस्टी के जो हेड थे वो महदजी सिंधिया थे। और उन्होंने बहुत, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मराठा आर्मी के वो कमांडर बने थे उस टाइम पर, उन्होंने कई सारे बैटल्स जो थे वो लीड किए थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। और साथ में ही ट्रीटी ऑफ वडगांव में भी उनका आप बोल सकते हो कि एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था। उसके बाद आप ये भी बोलोगे कि जो ट्रीटी ऑफ सलबाय थी उसमें भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रोल किया था, क्योंकि और उनकी जो प्रोमिनेंस थी वो इतनी ज्यादा थी कि उनको ऑब्जर्वर म्यूचुअल गारंटर का जो स्टेटस था, जो कि ऑब्जर्व करेगा कि ट्रीटी की जो टर्म्स हैं वो दोनों पार्टीज कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, यहाँ तक भी उनको अपॉइंट किया गया था। किसको, महदजी सिंधिया को। तो अब आप कनेक्ट कर पाओगे सिंधिया डायनेस्टी को प्लस जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसको, ठीक है। अब आप देखिए महदजी सिंधिया का आपने देखा कि ये कितने ज्यादा ब्रेव थे और इन्होंने मतलब ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे आप ये बोल सकते हो, है ना। और ये और साथ में इनके टाइम पे एक नाना फडणेस रहते हैं वो, इन दोनों के मतलब महदजी सिंधिया की डेथ तो पहले हो जाती है और जो नाना फडणेस रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है 1800 के टाइम पर। ये लोग जो रहते हैं ये माने जाते हैं कि ये लास्ट ग्रेट सोल्जर्स थे और स्टेटमेंट्स थे जो मराठा के अंडर में आए थे, जो मराठास के मतलब के यहाँ रेज हुए थे। उसके बाद जो होते हैं वो लोग वीक होते हैं, इनके बाद के जो लोग होते हैं वो वीक सक्सेसर होते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से जो मराठा जो रहता है, मराठा पावर जो रहता है वो अपनी हाइट पर पहुंचा रहता है महदजी सिंधिया की वजह से, नाना फडणेस जैसे जो सोल्जर्स रहते हैं, जो सरदार रहते हैं उनकी वजह से 18th सेंचुरी में मराठा का जो पावर रहता है वो बहुत इनहेंस हुआ रहता है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और देखने को मिलती है कि महदजी सिंधिया जो थे, ये शिंदे को भी आप सिंधिया ही समझिए, महदजी सिंधिया जो थे उन्होंने अपने खुद के कॉइन्स इशू किए थे, अपने खुद के कॉइन्स, अपनी खुद की करेंसी जो थी वो इशू करी थी इन वेरियस डिनोमिनेशंस। वो कौन कौन से डिनोमिनेशन थे, 1/4 रुपीज था, हाफ पैसा था, हाफ रुपी था और रुपी था। और ये जो कॉइन्स थे ये सिल्वर के भी थे और कॉपर के भी थे। और ये जो नरवर में एक मिंट है, नरवर में जहाँ पे सिक्के बनते थे उस टाइम पे, वहां पर ये बनाए गए थे महदजी सिंधिया के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका महदजी सिंधिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ये देख लिया आपने कि 1794 में इनकी डेथ हो चुकी है और 1800 में यहाँ पे इनके जो कॉन्टेम्प्रेरी रहते हैं नाना फडणेस उनकी भी डेथ हो जाती है। आपने ये देख लिया कि ये रियल फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने बहुत सारे बैटल्स किए जो कि राजपूत से भी थे और इंग्लिश पीपल से भी थे, और साथ में रोहिल्लास वगैरह से भी थे, रोहिल्लास से थे, सिक्स से थे। मैम रोहिल्ला कौन थे? ये जब आप अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये भी आप उसमें आप जानोगे कि रोहिल्ला थे, एक रीजन होता है रोहिलखंड, उसमें जो लोग रहते हैं उनको रोहिल्ला बोलते हैं, ठीक है। सिक्स से इन लोगों से सबसे इन्होंने किया, आपने ये भी देखा कि इन्होंने राजपूत को भी हराया और फिर इसके बाद इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था उसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कि भूमिका जो है वो निभाई, किसने, महदजी सिंधिया ने। अब यहाँ पे एक नाम आता है बैटल ऑफ लखेरी का,
बैटल ऑफ लखेरी क्या है? मैंने आपको इसके पहले की स्लाइड में बताया था कि जो सिंधियाज थे उनकी जो एनिमिटी थी वो किससे चलती थी? होलकर से। तो ये बैटल जो था ये इसी एनिमिटी का रिजल्ट था। ये कब फाइट किया गया था? 1 जून 1793 को ये बैटल जो था वो लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? सिंधिया के बीच में लड़ा गया था और होलकर क्लैन के बीच में लड़ा गया था। ये लास्ट बैटल था, बिकॉज आपने देखा कि 1794 में क्या हो जाएगा, महर्षि सिंधिया की डेथ हो जाएगी। तो अगर अब ये कोई बैटल 1 जून 1793 में लड़ रहे हैं तो लगभग ये इनका लास्ट बैटल ही है। तो ये जो है ये लास्ट बैटल माना जाता है महद्जी सिंधिया का। और महद्जी फोर्सेस जो हैं उन्होंने क्या किया था, तुकोजी राव होलकर जो उस समय लीड कर रहे थे होलकर फोर्सेस को, उनकी फोर्सेस को हरा दिया था। लेकिन महद्जी सिंधिया जो थे वो एक आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा गंभीर बोल सकते हो या ऊंचे विचारों वाले इंसान थे, तो वो इस बैटल की जीत से भी खुश नहीं हुए थे। उनको ये लगा था कि जो ये फैमिली के अंदर की लड़ाई है, क्योंकि वो अभी भी उस चीज को मानते थे कि ये जितने भी मराठा क्लैन हैं ये सब आपस में मतलब कॉन्फेडरेसी का पार्ट हैं और ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इनका ये मानना था कि परिवार को ही हरा कर किसी भी प्रकार की जो खुशी है वो आपको मिल नहीं सकती है। इसीलिए ये जीत गए थे बैटल ऑफ लखेरी में, मगर वो इससे ज्यादा उतने सेटिस्फाई नहीं थे। एक और नाम आता है बैटल ऑफ पाटन का। बैटल ऑफ पाटन जो है वो महद्जी सिंधिया ने जयपुर के राजपूत के अगेंस्ट में लड़ा था और उसको कैप्चर किया था। ऐसे ही एक बैटल ऑफ मेदियत्या का नाम आता है, इसको लड़के इन्होंने मारवाड़ का जो रीजन है उसको कैप्चर किया था। आपको बस सिंपल मैं ये इसलिए बता दे रही हूँ कि बाय चांस यदि आपको कहीं ऐसा कुछ लगता है कि एनकाउंटर हो जाता है कि बैटल ऑफ पाटन किससे रिलेटेड था, तो आपको एक बस नाम याद रह जाए कि सिंधिया डायनेस्टी के जो रूलर थे महद्जी सिंधिया उनसे रिलेटेड था, या बैटल ऑफ मेदियत्या किससे रिलेटेड था, तो वो भी सिंधिया डायनेस्टी के जो रूलर थे महद्जी सिंधिया उनसे रिलेटेड था। हमने क्या क्या देख लिया? हमने इनसे रिलेटेड बैटल ऑफ लखेरी देख लिया, बैटल ऑफ पाटन देख लिया और बैटल ऑफ मेदियत्या देख लिया इनसे रिलेटेड। अब महद्जी सिंधिया जो है इनकी हो जाती है डेथ 1794 में, है ना। लेकिन जब इनकी डेथ होती है तब इनका जो वो रहता है कोई भी बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं रहता है, किसका? महद्जी सिंधिया का। तो अब इनका इनके एक कजिन रहते हैं महद्जी सिंधिया के, उनका नाम क्या रहता है? आनंद राव। और आनंद राव का एक सन रहता है जिसको अडॉप्ट कर लिया जाता है इनके सक्सेसर के रूप में। अब ये जो इनका जो सन रहता है उसका क्या नाम रहता है? दौलत राव सिंधिया। ये कब से कब तक रूल करते हैं? ये 1794 से लेकर 1827 तक रूल करते हैं। अब जैसे महद्जी सिंधिया की क्या खासियत थी कि इन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते थे, तो दौलत राव सिंधिया की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये बहुत सारे बैटल्स हार जाते हैं। किसको हार जाते हैं? इंग्लिश को। ये इंग्लिश जो फोर्सेस रहती हैं उनके आगे ये बहुत सारे बैटल्स जो हैं वो हार जाते हैं। और मेजर स्लीमन रहते हैं उस टाइम पे, ब्रिटिश ऑफिसर रहते हैं ये एक, वो इनको बोलते हैं कि ये एक इनकेपेबल सक्सेसर है महद्जी सिंधिया के, मतलब बिकॉज ये अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी नहीं कर पाते हैं, उसका रक्षण नहीं कर पाते हैं, तो इनको बोला जाता है कि ये एक इनकेपेबल सक्सेसर हैं महद्जी सिंधिया के। बिकॉज जितनी टेरिटरीज महद्जी सिंधिया ने क्या करी रहती हैं, एक्वायर करी रहती हैं, ये उतनी टेरिटरीज लूज कर देते हैं लगभग। इनके टाइम पे एक लैंडमार्क इवेंट जो होता है वो ये होता है कि ये अपनी जो कैपिटल रहती है इसको ये शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ? उज्जैन से ग्वालियर में ये शिफ्ट कर देते हैं 1810 में। अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी सिंधिया डायनेस्टी की, तो उसके लिए आपका आंसर क्या होगा? दौलत राव सिंधिया होगा। और कब करी थी? तो वो 1810 में ये कैपिटल जो है वो शिफ्ट हुई थी। अब एक तो ये वैसे ही एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये इनकेपेबल रूलर हैं, मतलब ये उतने ज्यादा केपेबल नहीं है। और इनके टाइम पे बहुत सारे टर्मोइल्स भी होते हैं, जिसमें पहला होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर अभी हमने देख लिया जो पीछे हुआ था, है ना, जो कुछ लास्ट स्लाइड में जिसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। और इनके टाइम पे दौलत राव सिंधिया के टाइम पे क्या होता है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पर होता है। बिकॉज इनकी रीन कब से कब तक है? 1794 से लेकर 1827 तक है। तो इस टाइम के बीच में
ये 1803 से लेकर 1805 तक और 1817 से लेकर 1819 तक ये दो एंग्लो मराठा वॉर होते हैं, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ ही फाइनली मराठास का आप ये बोल सकते हो कि जो डोमिनेंस होता है वो पूरी तरीके से एंड को आ जाता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये लोग एक बस आप ये बोल सकते हो कि वसल्स बोल लो या सामंत के स्टेटस पे, इनको इनका जो स्टेटस होता है वो बस वसल्स या सामंत के बराबर रह जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा, दौलत राव सिंधिया जो हैं वो सन थे आनंद राव के, कौन थे आनंद राव जो थे वो महादजी सिंधिया जो प्रीसीडिंग रूलर हैं सिंधिया डायनेस्टी के, उनके भाई थे, और इनको अडॉप्ट कर लिया गया था बिकॉज महादजी सिंधिया का कोई भी सक्सेसर नहीं था। इन्होंने कब से कब तक रूल किया, इन्होंने 1794 से लेकर 1827 तक रूल किया। इन्होंने बहुत सारे बैटल्स जो थे वो लूज कर दिए थे इंग्लिश को, और मेजर स्लीमन ने इन्हें बोला था कि ये एक इनकैपेबल, एक अयोग्य उत्तराधिकारी हैं, इनकैपेबल सक्सेसर हैं किसके, महादजी सिंधिया के। दौलत राव सिंधिया के टाइम पे लैंडमार्क इवेंट क्या हुआ था, इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर ली थी उज्जैन से कहाँ पे, ग्वालियर में 1810 में। अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर 1805 तक, हम उसको सिर्फ उसी एक्सटेंट तक देखेंगे जितना कि सिंधिया से रिलेटेड है, इससे ज्यादा हम इसको नहीं देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे पूरी मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन अपना जो है वो रिज्यूम कर जाएगा, और उतना अभी आपको यहाँ पे कवर नहीं करना है डायनेस्टीज में। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है उसके बाद क्या होता है, एक ट्रीटी ऑफ बसेन होती है। उस ट्रीटी ऑफ बसेन में क्या होता है कि पेशवा जो रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, सब्सिडियरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसका, ब्रिटिशर्स का। जब ये ब्रिटिशर्स का, अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, पेशवा कौन है, वो हेड है। अब अगर ये सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनके अंडर की जो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं एक तरीके से वो भी सबॉर्डिनेट हो जाएंगी, तो ये वाली चीज जो रहती है ये बाकी मराठा जो रूलर्स रहते हैं उनको अनएक्सेप्टेबल रहती है, उनको ये वाली चीज जो रहती है वो अनएक्सेप्टेबल रहती है। और इसी आप बोल सकते हैं कि कोर्स ऑफ इवेंट में क्या करते हैं, जो सिंधियाज रहते हैं और जो भोसलेज रहते हैं ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि पुनः मराठा इंडिपेंडेंस क्लेम करी जाए, और इसके लिए ये बैटल करने का सोचते हैं। लेकिन ये जो रहते हैं इनकी जो, अब यहाँ तक आते आते क्या हो गया है कि मराठास की जो पावर है वो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो है ये टिक नहीं सकते हैं किसके आगे, ब्रिटिश आर्मी जो है जो कि वेल प्रिपेयर्ड और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ये उसके आगे ये टिक नहीं सकते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं, सिंधियास और भोसले। ठीक है, हार जाते हैं, और जब कोई हार जाएगा, जब कोई भी हारेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रीटी जो है वो इम्पोज करी ही जाएगी, इनके ऊपर भी क्या होता है एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इम्पोज करी जाती है। ठीक है, सिंधियाज एंड भोसलेज अटेम्प्टेड टू सेव मराठा इंडिपेंडेंस, उनको लगता है कि ये इन्होंने तो ट्रीटी साइन कर दी है लेकिन इसके बाद हम तो कुछ कर ही सकते हैं, क्यों ना हम अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करें। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने का सोचते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ ब्रिटिश, और उस आर्मी को लीड कौन कर रहा होता है, आर्थर वेलेस्ली जो रहते हैं उनके मिलिट्री जनरल वो लीड कर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं ये इनकी फोर्सेस जो रहती हैं कंबाइंड आर्मी जो रहती है सिंधिया की और भोसले की, इनको हरा देते हैं और उनको एक सेपरेट सब्सिडरी ट्रीटीज जो है इंग्लिश के साथ वो कंक्लूड करने के लिए वो फोर्स करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि ये लोग गए थे लड़ने, कौन कौन, सिंधिया और भोसले, अब ये हार के आ चुके हैं, अब इनको सेपरेट ट्रीटीज जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ कंक्लूड करनी पड़ेंगी कि हाँ हम आपकी डोमिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, इस टाइप का। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो मराठा रहते हैं वो, अब देखिए ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात हो रही है, यहाँ पे मराठा पावर इतनी कम हो चुकी है कि अब जो मराठास हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, उनका स्टेटस रिड्यूस हो चुका है, वो कैसे हो गए हैं, वो ब्रिटिश वसलेज के बराबर हो गए हैं और अब एक दूसरे से उतने रिलेटेड नहीं है वो। ठीक है, पहले जो उनमें एक कॉन्फिडरेसी वाली फीलिंग थी वो फीलिंग अब उतनी नहीं रह गई है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उनके साथ अलग अलग ट्रीटीज जो है वो कंक्लूड करी जा रही है। बिकॉज देखिए यहाँ पे पहले पेशवा ने ट्रीटी करी तो वो ओवरऑल एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अप्लाई हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने जाके अलग अलग
अपना इंडिपेंडेंस क्लेम करने की सोची और साथ में लड़ाई करने की सोची, तो अब क्या है कि अब सबको इंडिविजुअल लेकर चला जा रहा है और ये सिर्फ सामंत की स्टेटस तक आप बोल सकते हो कि इनका जो है वो रिडक्शन हो चुका है, इनका डिमोशन हो चुका है, किसका, मराठास का। अब ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जाएंगे लड़ेंगे, इसका भी तो कुछ ट्रीटी होगा ना, तो जो ये ट्रीटी जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि एक ट्रीटी इन पर इम्पोज करी जाएगी, तो उस ट्रीटी का नाम क्या होता है, उस ट्रीटी का नाम होता है सुराजी अंजन गांव, ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजन गांव। ये कब साइन करी जाती है, ये साइन करी जाती है 1803 में, ठीक है। अगर आपको पूछने को आता है कि ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजन गांव किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे किससे, सिंधिया से रिलेटेड है। किसके टाइम पे हुई थी, दौलत राव सिंधिया के टाइम पे हुई थी। कौन से टाइम पे हुई थी, 1803 के टाइम पे हुई थी। और ये किसका पार्ट थी, मतलब ये देखिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि वॉर्स जो होते हैं वो सीरीज ऑफ बैटल्स होते हैं, तो ये जो ट्रीटी थी ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की पार्ट थी। उसमें एक जो बैटल इन्होंने किया था, सिंधिया और बोसलेज ने जो अटेम्प्ट किया था, उसके रिजल्ट में जो ट्रीटी साइन हुई थी वो थी सुराजी अंजन गांव की ट्रीटी। सुराजी अंजन गांव एक जगह का नाम है और वहां पर ये जो संधि थी, ये ट्रीटी थी, ये साइन करी गई थी, इसीलिए इसको बोला जाता है सुराजी अंजन गांव, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजन गांव ये कब साइन हुई थी, 1803 में। कब, अब देखिए इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। ये ट्रीटी साइन करी गई 30 दिसंबर 1803 में और ये सेटलमेंट किसके किसके बीच में हुआ था, ये मराठा चीफ जो थे मतलब सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में ये ट्रीटी जो थी वो साइन करी गई थी, है ना। और इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो रिजल्ट था ये किस चीज का, यहाँ पे फाइट किसने किया था, इन लोगों ने जो ये किया था, जो ये इन्होंने इंडिपेंडेंस क्लेम करने की कोशिश करी थी उसमें फाइट किसने किया था, लॉर्ड लेक्स जो थे उन्होंने फाइट किया अपर इंडिया के अपने कैंपेन के टाइम पे। और ये फर्स्ट फेज था कब का, मराठा, सेकंड मराठा वॉर का, जो ये फर्स्ट फेज चल रहा है, जो सेकंड मराठा वॉर जो है 1803 से 1805 तक ये फाइट किया गया है, ठीक है। पहले तो इन्होंने खुद ने सोचा कि इंडिपेंडेंस क्लेम करें, लेकिन इनके ऊपर ही वो चीज बाद में जाके भारी पड़ जाती है और लॉर्ड लेक का जो कैंपेन होता है अपर इंडिया में, इन्हीं को अपनी ट्रीटी जो है वो ट्रीटी साइन कर जानी पड़ती है। अब इस ट्रीटी की कंडीशंस क्या क्या थी, आपने ये देखा था महादजी सिंधिया के टाइम पे कि इन्होंने इनको इनको क्या रहता है, महादजी सिंधिया के टाइम पे आपने पहले देखा था कि ये उनको संरक्षण देते हैं, किसको, अपने मुगल एम्परर को ये संरक्षण देते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा कि इस ट्रीटी से मुगल एम्परर जो है शाह आलम टू, उनको किसके कंट्रोल में कर दिया जाएगा, उनको ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि अब आप इनको प्रोटेक्ट मत करो, मराठास को इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनको प्रोटेक्ट करेगी। अब आपने साथ में ये भी देखा था कि गंगा यमुना दोआब की जो टेरिटरी थी, जो उन्होंने इनके एंसेस्टर ने एक्वायर कर ली थी, उस टेरिटरी को इनको छोड़ना पड़ेगा, उस टेरिटरी को इनको किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। गंगा यमुना दोआब मतलब टेरिटरी बिटवीन द रिवर्स, और आगरा का जो पार्ट रहता है और सिंधियास की जो टेरिटरी रहती है गोहद में और गुजरात में, वो भी इनको क्या करनी पड़ती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करनी पड़ती है, सरेंडर करनी पड़ती है, किसमें, ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजन गांव में, है ना। और सिंधियास का जो कंट्रोल रहता है, आपने जो इससे पहले देखा था कि इन्होंने बैटल ऑफ पाटन फाइट किया था और बैटल ऑफ मेदत्यार जो फाइट किया था उसमें जो इनको राजस्थान के ऊपर जो कंट्रोल मिला रहता है वो भी इनको थोड़ा बहुत थोड़े एक्सटेंट तक उसमें भी रिलैक्सेशंस इनको देनी पड़ती हैं, वो भी इनको छोड़ना पड़ता है, किसको, दौलत राव सिंधिया को, किसके अंडर में, ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजन गांव जो हो रही है उसके अंडर में इनको ये छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सिंधिया, अब ये सब तो कंडीशन इनको मनवाई ही गई कि आप ये करिए, ये करिए, और साथ में एक कंडीशन और भी कई करी गई कि हमारा जो ब्रिटिश रेसिडेंट होगा वो आपके यहाँ बैठेगा, और अब आप ये एक डिफेंसिव ट्रीटी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ब्रिटिश रेसिडेंट आपके यहाँ रहेगा और वो पूरे टाइम आप पे नजर रखेगा। तो ये वाली ट्रीटी जो है उसमें ये कंडीशन भी थी, किसमें, ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजन गांव में, जो कि साइन करी गई थी 1803 में। अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे सिंधियाज
के आप बोल सकते हो कि कंटेक्स्ट में जो कुछ भी इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं आपके, है ना। अब आप थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के कंटेक्स्ट में समझिए कि जो हुआ था वो भी दौलतराव सिंधिया के टाइम पर ही हुआ था, उस टाइम पर क्या क्या होता है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है, अब इससे पहले आप ये देखिए यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसेन हो चुकी है ना। ट्रीटी ऑफ बसेन में क्या होता था कि पेशवा जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं सब्सिडरी अलायंस। अब ये दो लोगों को एक्सेप्ट नहीं था, इन्होंने कुछ विद्रोह करने की सोची तो इनके साथ इन्होंने अलग अलग ट्रीटी कर ली, जिसमें से कि सिंधियाज के साथ इन्होंने कौन सी करी थी, ट्रीटी ऑफ सुराजी अंजन गांव करी थी, है ना। और भोंसले के साथ इन्होंने कौन सी करी थी, एक ट्रीटी ऑफ देवगांव बोलते हैं उसको, वो करी थी इन्होंने, है ना। और उसी टाइम पे होलकर्स के भी साथ इन्होंने एक ट्रीटी करी थी जिसको ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट बोलते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने तीन ट्रीटीज इन अलग अलग लोगों के साथ कर ली थी इंग्लिश ने। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो गया है, लेकिन बाकी लोगों के, बाकी जो मराठा जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स अभी भी हर्ट हैं। उनको लगता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो चली गई है। जैसे ही पेशवा ने ये ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ बसेन, तो उससे क्या हुआ कि ये एक तरीके से एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, हमारी इंडिपेंडेंस चली गई है। अब ये हर्ट तो बैठे ही हुए हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक्शन ले लेते हैं किसके अगेंस्ट में, पिंडारीज के अगेंस्ट में। पिंडारीज जो रहते हैं उनके अगेंस्ट में ये एक्शन ले लेते हैं, और ये जो एक्शन रहता है इसको मराठास अपने ऊपर हुआ एक्शन मानते हैं, अपनी सोवरेनिटी पर इसको ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं, मराठास ले लेते हैं। बिकॉज जो ये पिंडारीज जो होते हैं ये एक टाइम पे क्या करते हैं, ये मराठास की सर्विसेज में रहते हैं, मराठास, मराठा कॉन्फेडरेसी में। आप यहाँ पे पिंडारी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये पिंडारी जो है ये एक मास ऑफ पीपल का नाम आप समझ लो, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर सर्विस है उसको जो देने वाले लोग हैं उसको पिंडारी कहा जा रहा है। अब वो जो लोग हैं वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं और किसी की भी क्लास के हो सकते हैं। इनका काम क्या होता था, ये मराठा आर्मी, मराठा की जो आर्मीज रहती थी उनमें ये अटैच रहते थे। कैसे अटैच रहते थे, एज मर्सनरीज। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि ऐसे सोल्जर्स जिनको कभी भी बुला लिया जाता था कि चलो लड़ाई करने चलना है, हम बैटल पे जा रहे हैं, आप आ जाइए, और उसके बदले में उनको वेजेस दी जाती थी। ये परमानेंट आर्मी का पार्ट आप ये नहीं बोल सकते कि ये होते थे, लेकिन इन ये मर्सनरीज में आते थे। किसके, मराठास की मर्सनरीज में आते थे। अब जब मराठा की जो पावर है, आप देख रहे हो धीरे धीरे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो मराठास की जो पावर है वो धीरे धीरे घट रही है। अब जब किसी की पावर घटेगी तो फिर उससे क्या होगा कि ये पिंडारीज जो हैं इनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। बिकॉज अब ये लोग उतना लूटपाट भी नहीं करेंगे, उतना ज्यादा बैटल्स भी नहीं करेंगे, इनके कैंपेन्स भी नहीं होंगे, किसके, मराठास के। तो पिंडारीज जो हैं इनको अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अब जब किसी को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा अपने सब्सिस्टेंस के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लंडरिंग स्टार्ट कर देते हैं। कौन, पिंडारीज। पिंडारीज जो रहते हैं वो जो प्लंडरिंग का जो प्रोसेस रहता है उसको रिजॉर्ट करते हैं, और वो प्लंडरिंग कहाँ करते हैं, वो नेबरिंग टेरिटरीज में तो प्लंडरिंग करते ही करते हैं, और वो साथ में क्या करते हैं, वो कंपनी की टेरिटरीज में भी प्लंडरिंग करते हैं। कंपनी की टेरिटरीज मतलब ब्रिटिश टेरिटरीज। और जब ब्रिटिश टेरिटरीज में आके कोई लूटपाट मचाएगा तो फिर ब्रिटिश जो रहेंगे वो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो वो पिंडारीज के अगेंस्ट में भी एक्शन लेते हैं, और चूंकि ये पिंडारीज जो रहते हैं ये पहले मराठास के यहाँ एज ए मर्सनरीज सर्व कर रहे होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये मराठास को भी चार्ज करते हैं कि आप ही लोग हो जो इनको शेल्टर देते हो, आपके ही संरक्षण में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लंडरिंग करते हैं। कौन करते हैं, पिंडारीज करते हैं। यहां तक आ रहा है समझ में, पिंडारीज का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आप लोगों को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, पिंडारीज के अगेंस्ट में एक्शन लिया, ठीक है। अब वो जो एक्शन था वो क्या, उसको कैसे लिया गया, इट वॉज सीन एज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ मराठास। जो मराठास की सोवरेनिटी थी ये उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हनन माना गया कि आपने हमारे लोगों पर कैसे एक्शन लिया, है ना। बिकॉज ये लोग जो थे ये पहले सर्व किया करते थे किसको, मराठा कॉन्फेडरेसी को। कौन लोग सर्व किया करते थे, पिंडारीज लोग सर्व किया करते थे,
तो अब क्या होता है कि इससे गुस्सा होकर, इन सब चीजों से पहले ही वो गुस्सा तो बैठे ही हैं, पहले ही वो हर्ट हैं, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हैं कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ बसेन जो है वो साइन करवा ली है। उसके बाद फिर ये क्या होता है कि एक्शन अगेंस्ट पिंडारीज हो जाता है, पिंडारीज के अगेंस्ट भी एक्शन हो गया है। तो अब ये एक वेंट टाइप का हो जाता है कि इनका जो एंगर है उसका, उसके निकलने का एक ये माध्यम बन जाता है, ये वाला जो इवेंट रहता है, जो ये एक्शन लिया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारीज के अगेंस्ट में, ये एक वेंट की तरह काम करता है। और मराठास जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं। कहाँ पे? ब्रिटिश रेसिडेंसीज जो रहती हैं पूना में और नागपुर में, वहां पे ये लोग अटैक कर देते हैं। अब क्या होता है, अटैक तो कर दिया लेकिन क्या अभी भी उतने पावरफुल हैं, उतने पावरफुल तो नहीं है जितने पहले थे, बिकॉज पावर तो आप देख रहे हो कि घट ही रही है, इनकी कम होती जा रही है और ये पावर ही घटी, इसी वजह से पिंडारीज जो है इनको भी दूसरे पावर तो है नहीं, है ना। और जब ये पावर नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, डिफीट होगी। मराठा वॉर में फिर से यही चीज होती है कि ये लोग हार जाते हैं। ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पावर, मतलब कि किसी भी शक्ति के आगे बढ़ने के लिए जो भी एलिमेंट्स की जरूरत होती है वो अब मराठास के पास रही नहीं गई है, है ना। The political and administrative conditions of all the Maratha states were confused and inefficient. अब आप देखिए, एक टाइम पे जब बाजीराव थे उस टाइम पर इनमें एक बहुत अच्छा आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन था, लेकिन अब इन सब को क्या हुआ है कि जो डिफरेंट ट्रीटीज हैं ब्रिटिशर्स की उसकी वजह से और इनकी पावर जो कम हुई है उसकी वजह से ये सब एक दूसरे से आइसोलेशन में आ गई हैं, और जिनका एक दूसरे से है भी अगर कनेक्शन है भी तो वो दूर दूर का है। तो अब अगर ये सोचें कि ये लोग मिल के किसी चीज पर अटैक कर दें, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश रेसिडेंसी पे अटैक कर दें या ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई वॉर लड़ लें या बैटल फाइट कर लें, तो ये इनके लिए अब थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो डिफरेंट मराठास हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हो चुकी हैं। अब वो आपस में ही कंफ्यूज भी हैं और अब इनएफिशिएंट भी हैं, ठीक है। अब इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सी ट्रीटीज साइन करी जाती हैं बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश कंपनी। अब चूंकि हम सिंधियास को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे यहाँ पे कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी सिंधिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे ट्रीटी जो साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ये कब साइन हुई थी, ये 1817 में साइन हुई थी। अब ये सब जो होता है इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है कि मराठा कॉन्फेडरेसी जो रहती है वो एंड को आ जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, और पेशवाशिप जो रहती है वो भी एबॉलिश कर दी जाती है कि अब से कोई भी पेशवा जो रहेगा वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए आप कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कि एक स्टेट था, मराठा स्टेट था, उसके बाद उनकी कॉन्फेडरेसी बनी और अब वापस ये कॉन्फेडरेसी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, अब कोई भी पेशवा नहीं रहेगा यहाँ पे, और ये कॉन्फेडरेसी भी अब खत्म हो चुकी है, किसके साथ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के साथ। और इसी के साथ क्या होगा, मराठास की जो सुप्रीमेसी है वो भी एक एंड पर आ जाएगी। हमने ये क्यों देखा, इतना हमने ये इसलिए देखा बिकॉज दौलतराव सिंधिया के टाइम पर ये वॉर शुरू हुए थे, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। हमने ये देखा कि 1720 से लेकर आप बोल सकते हैं 1818 तक, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की जब तक ट्रीटीज नहीं हुई थी तब तक मराठा कॉन्फेडरेसीज का जो पीरियड था वो था, उससे पहले मराठा स्टेट का पीरियड था वो अब ओवर हो चुका है। अब ये ट्रीटीज हो चुकी हैं सिंधियाज के साथ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई, और ये कब हुई, ये नवंबर 1817 में हुई। मराठा कॉन्फेडरेसी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, पेशवाशिप की जो पोस्ट है वो भी अबॉलिश हो चुकी है। ये हमने पूरा दौलतराव सिंधिया के टाइम के जो इवेंट्स थे उनका हमने पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन ले लिया। अब आप देखिए आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन जो था दौलतराव सिंधिया का, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि इन्होंने एक गोरखी पैलेस नाम का जो महल था वो कंस्ट्रक्ट करवाया था, किसने, दौलतराव
सिंधिया ने कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया था? ये ग्वालियर में इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। कब कंस्ट्रक्ट करवाया था? जब इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो उज्जैन से जब ग्वालियर शिफ्ट करी तो इनके रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए ही रहेगी इनको, दौलत राव सिंधिया को। तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं, ये इस महल का निर्माण करवाते हैं। किसका? गोरखी पैलेस का, है ना। अब ये जो बिल्डिंग है ये बनाई कैसे गई है? ये बिल्डिंग बनाई गई है सैंड स्टोन्स जो होती हैं उसकी इंटरलॉकिंग करके, सैंड स्टोन्स की इंटरलॉकिंग करके ये गोरखी पैलेस का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इसका जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस गेट है, उसको हथियापोर बोला जाता है। किसके एंट्रेंस को? गोरखी पैलेस का जो एंट्रेंस है उसके मेन एंट्रेंस को हथियापोर बोला जाता है। और ये कौन से स्टाइल में बनाई गई है? ये मराठा और राजपूत स्टाइल जो है आर्किटेक्चर का, उसका जो ब्लेंड है, दोनों को मिलाकर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो बनती है उसमें इसको कंस्ट्रक्ट करा गया है। अब आप देखिए, ये इनसे रिलेटेड एक फैक्ट था जो आपने जान लिया, दौलत राव सिंधिया से रिलेटेड। आपने ये भी जान लिया कि इनके टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए थे। अब जो दौलत राव सिंधिया जो रहते हैं, इनकी हो जाती है डेथ। कब हो जाती है? लश्कर एक जगह है ग्वालियर में, लश्कर नाम की एक जगह है, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है दौलत राव सिंधिया की। कब हो जाती है? 21st of March 1827 को इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनके बाद जो इनके सक्सेसर बनते हैं वो कौन बनते हैं? वो जनकोजी राव सिंधिया टू बनते हैं। कौन बनते हैं? जनकोजी राव सिंधिया टू बनते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि इनके जो सक्सेसर बनते हैं, बिकॉज ये भी जो रहते हैं, ये इनका कोई बायोलॉजिकल सक्सेसर उस टाइम पर नहीं रहता है। इनका पहले एक कोई सन हुआ रहता है जो 8 months के एज में ही जिसकी डेथ हो गई रहती है। तो अब जब ये इनकी डेथ हुई है तब इनका कोई भी सक्सेसर नहीं है, बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है। इनकी वाइफ होती है किनकी? दौलत राव सिंधिया की, जिनका नाम होता है बैजाबाई। बैजाबाई जो रहती हैं, जब जनकोजी राव सिंधिया की डेथ हो जाती है तो वो क्या करती हैं कि एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हैं, उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हैं और उसी को क्या करती हैं, सक्सेसर अपना वो कर लेती हैं, सक्सेसर अपना डिक्लेयर कर देती हैं कि ये जो बच्चा है यही सक्सेसर बनेगा, ये माइनर चाइल्ड जो है ये सक्सेसर बनेगा और मैं इसकी रीजेंट बन के रूल करूंगी। कौन बोलता है ऐसा? बैजाबाई बोलती हैं, ठीक है। अब बैजाबाई जिस बच्चे को अडॉप्ट करती हैं उसका जो सही नाम रहता है वो मुगत राव सिंधिया रहता है, लेकिन चूंकि इन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया है तो अब इनको ये कुछ नया नाम देंगी, तो ये इनको नाम दे देती हैं जनकोजी राव सिंधिया टू। जो पहले जनकोजी राव सिंधिया वन हुए थे, अब इनको भी अगर जनकोजी राव नाम दिया गया है तो इनको जनकोजी राव सिंधिया टू बोला जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब इनको अडॉप्ट किया है बैजाबाई ने तो ये क्या है, ये माइनर है, और जो माइनर होगा वो क्या रूल करने का कैपेबल होगा? वो इनकैपेबल होगा टू रूल। यही इनके साथ भी होता है, किनके साथ? जनकोजी राव सिंधिया के साथ भी यही होता है, क्योंकि ये जब सक्सेसर डिक्लेयर करे गए रहते हैं तब ये माइनर होते हैं, तो ये रूल करने के लिए वो एबल नहीं रहते हैं। तो एक रीजेंसी जो रहती है वो इस्टेब्लिश करा दी जाती है। आप पहले देख चुके हो कि ब्रिटिशर से ये ट्रीटी कर चुके हैं, जो सिंधिया स्टेट है, ब्रिटिशर्स का जो रेसिडेंट ऑफिसर है वो इनके यहाँ इनकी टेरिटरी में बैठने लगा है, है ना। अब वो रहेगा तो हाँ, मेरे साइड कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं एक बार बाहर होके फिर से करूँ जाऊँ प्लीज। ठीक है।
बाकी सबको तो नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है? नो मैम, बिकॉज मेरे पॉइंट पे भी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए अगर हो तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। कंटिन्यू करें, जो लीव किया था वो आ गया है? हाँ मैम, हाँ मैम। हम जनकोजी राव सिंधिया को पढ़ रहे थे, जिनका रूल 1827 से लेकर 1843 तक था। हमने देखा कि दौलत राव सिंधिया जो है उनकी डेथ हो जाती है विदाउट लीविंग एनी बायोलॉजिकल सक्सेसर। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है? अभी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ मैम। हमने दौलत राव सिंधिया का रूल देखा पूरा की पूरा, उनके टाइम पे जो सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए थे हमने वो देखे। उसके बाद हम जनकोजी राव सिंधिया को पढ़ रहे हैं। जनकोजी राव सिंधिया का जो रूल था वो 1827 से लेकर 1843 तक था। अब चूंकि दौलत राव सिंधिया जी की जब डेथ हुई थी तो उस टाइम पे उनका कोई भी सन या डॉटर नहीं था, कोई लीगल सक्सेसर नहीं था, उनका बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं था, तो जनकोजी राव सिंधिया जो रहते हैं अपनी डेथ के टाइम पे, वो तो उनकी तो डेथ हो जाती है, वो क्या करते हैं, वो तो ब्रिटिश रीजेंसी ब्रिटिशर्स के अलाई रहते हैं तो वो उन पे ही विश्वास करके उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वो उस टाइम पे ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं करते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन जो उनकी जो वाइफ रहती है बैजाबाई, वो बस इतना बोल के जाते हैं, सॉरी जनको जी बोल रहा था मैं, दौलत राव सिर्फ इतना बोल के जाते हैं कि बैजाबाई जो है वो किसी का रीजेंट बन के रूल करें। तो इसी चीज को फॉलो करने के लिए क्या किया रहता है कि जनकोजी राव सिंधिया को अडॉप्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? बैजाबाई के द्वारा इनको अडॉप्ट कर लिया जाता है और ये सक्सेसर बना दिए जाते हैं। अब ये जो जनकोजी राव रहते हैं इनका जो रियल नेम रहता है वो मुगत राव सिंधिया रहता है। ये सक्सेसर तो बना दिए जाते हैं लेकिन चूंकि ये माइनर रहते हैं, इनकी एज कम रहती है, तो ये केपेबल नहीं होते हैं रूल करने के। और बट ऑब्वियस है कि फिर रीजेंसी का फॉर्मेशन होगा, रीजेंसी बनाई जाएगी कि ये जनकोजी राव सिंधिया जो हैं ये तो हैं महाराजा, लेकिन इनके इनके जो रिप्रेजेंटेटिव बन के जो रूल करेंगी वो होंगी कौन? बैजाबाई। बैजाबाई रूल करती हैं और ये डिक्लेयर कर दी जाती हैं, क्या? रीजेंट डिक्लेयर कर दी जाती हैं ऑफ वोम ऑफ जनकोजी राव सिंधिया। ये रीजेंट डिक्लेयर कर दी जाती हैं किसकी? जनकोजी राव सिंधिया की। अब हम थोड़ा सा बैजाबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर बैजाबाई के ऊपर आपको लिखने को आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सबसे पहली चीज क्या लिखोगे कि ये जो सिंधिया जो रूलर थे दौलत राव सिंधिया, उनकी ये वाइफ थी, इन्होंने ग्वालियर स्टेट को रूल किया 1827 से 1833 तक। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे जनकोजी राव सिंधिया का जो पूरा टोटल रूल है वो 1827 से लेकर 1843 तक है, लेकिन 1827 से लेकर 1833 का जो टाइम है ये कौन रूल कर रहा है? ये बैजाबाई रूल कर रही हैं एज रीजेंट। और इनका जो इंडिपेंडेंट रूल है वो कितना है? वो सिर्फ 1833 से लेकर 1843 तक का जो पीरियड है वो इनका जो है वो इंडिपेंडेंट रूल है। किसका? जनकोजी राव सिंधिया का। ठीक है, बैजाबाई कौन है? ये वाइफ है दौलत राव सिंधिया की। ये इन्होंने ग्वालियर स्टेट पर रूल किया कब? रीजेंट बन के। किसका? जनकोजी राव सिंधिया का। कब से कब तक? 1827 से लेकर 1833 तक। अब इनके टाइम पे क्या होता है, ये जो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं किसका? सिंधिया स्टेट का।
ये बनाती हैं बापूजी रघुनाथ नाम के एक व्यक्ति होते हैं, बापूजी रघुनाथ नाम के एक जो पर्सन रहते हैं उनको ये अपना प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं। और ये साथ में इनके टाइम पे बहुत सारे ये काम भी करती हैं, और उसमें एक लैंडमार्क जो इनका आप बोल सकते हैं वर्क रहता है वो ये रहता है कि ये ब्रिटिशर्स के साथ जो ठग्स की जो प्रॉब्लम रहती है, ठगी की जो प्रॉब्लम रहती है उसको रिजोल्व करने के लिए ये ब्रिटिशर्स की हेल्प करती हैं। ठगी की प्रॉब्लम जो है वो आप अपने मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी आप बस इतना जान लो कि ठग्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा प्लंडरिंग वगैरह कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं सब लोग। और उस टाइम पर जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं जिनका रूल जो रहता है 1828 से 1835 तक के पीरियड में रहता है, वो क्या करते हैं वो सोचते हैं कि सप्रेशन ऑफ ठगी होना चाहिए, तो वो सप्रेशन ऑफ ठगी करते हैं 1830 में। इस चीज के लिए वो बहुत काम करवाते हैं, और उस टाइम पे देखिए ये सप्रेशन ऑफ ठगी का काम कब किया जा रहा है, ये 1830 में किया जा रहा है, और उस टाइम पे रूल किसका है सिंधिया स्टेट में, उस टाइम पे बैजाबाई का रूल है। तो ये क्या करती है, ये इनको हेल्प एक्सटेंड करती है, किसको, ठगीज के प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए ये ब्रिटिशर्स को हेल्प एक्सटेंड करती हैं, कौन, बैजाबाई। अब ये और साथ में और क्या करती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लाती हैं। ये इनके जो हस्बैंड थे दौलत राव सिंधिया उनके टाइम पे एक मिलिट्री जनरल रहते हैं, उनकी हेल्प से ये क्या करती हैं, ये मिलिट्री का रिफॉर्म भी लाती हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से चलाती हैं। ठीक है, ये मतलब एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर रहती हैं, कौन, बैजाबाई सिंधिया। लेकिन जब जनकोजी राव बड़े हो जाते हैं अराउंड 1833 के टाइम पे, तब भी क्या रहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा रहता है वो जो भी मतलब कंट्रोल रहता है, आप ये बोल सकते हो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा कंट्रोल रहता है वो उस टाइम तक भी बैजाबाई के पास ही रहता है। अब चूंकि जनकोजी राव जो हैं वो अब मेजर हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको ये चीज अनएक्सेप्टेबल रहेगी। जब उनको ये चीज अनएक्सेप्टेबल रहेगी वो इनके सबॉर्डिनेट होकर नहीं रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। कौन इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जनकोजी राव इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो अब लेकिन ये जो है ये अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहती हैं, कौन, बैजाबाई जो है वो अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहती हैं। और अब इनके पास क्या रास्ता बचता है, जनकोजी राव के पास क्या रास्ता बचेगा, जनकोजी राव देखेंगे कि एक रीजेंसी फॉर्म करी गई थी किसके अंडर में, ब्रिटिशर्स के अंडर में, ब्रिटिश रेसिडेंट के अंडर में। तो ये क्या करेंगे, ये अप्रोच करेंगे ब्रिटिशर्स को कि भाई मैं हूं सही रूलर, मुझे ही गद्दी पर बिठाया जाए और मेरे को रिस्टोर किया जाए, मेरी रीजेंट को अब हटाया जाए, बिकॉज अब मैं जो हूँ अब मैं कैपेबल हो चुका हूँ रूल करने के लिए। कौन बोलेगा ऐसा, जनकोजी राव बोलेंगे, किससे, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश रेसिडेंट से बोलेंगे। और ऐसा ही होता है, व्हेन जनकोजी राव ग्रोज अप एट दैट टाइम बैजाबाई वाज इन ग्रेट पावर, बिकॉज अब देखिए इनको रूल करते करते काफी टाइम हो गया है, 27 से 33 तक ये आ गई हैं, तो इनको रूल करते करते काफी टाइम हो गया है, इनके पास बहुत सी पावर है ना। और इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंट ही अप्रोचेस, यहाँ पे ही आएगा, ही अप्रोचेस ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड रिप्लेसेस बैजाबाई। अब जब वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास जाएंगे तो पहले ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, जब बैजाबाई को प्रेसिडेंट वो रीजेंट बनाया जाता है 1827 के टाइम पर, तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी सिंधिया स्टेट की तरफ वो क्या थी कि हम ठीक है ये हमारे अलाई हैं, इन्होंने हमारा रेसिडेंट इनके यहाँ बैठता है, लेकिन हम एक जो इनके इंटरनल अफेयर है उसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे। नो इंटरवेंशन, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब यहाँ से 1827 से 1833 तक आते आते इनकी भी ये इंटेंशंस जो है वो चेंज हो जाती हैं ब्रिटिशर्स की। अब ये भी क्या चाहते हैं, ये भी चाहते हैं पूरा कंट्रोल किसके ऊपर, ग्वालियर स्टेट के ऊपर, सिंधिया स्टेट के ऊपर, ये भी अपना पूरा की पूरा कंट्रोल चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी बात मान जाते हैं, जनकोजी राव सिंधिया जो रहते हैं इनकी ये बात मान जाते हैं, और ये क्या बोलते हैं बैजाबाई को कि चलिए अब आपका रूल
जो है वो ओवर हो गया है, अब आप जा सकते हो, जो क्योंकि सही रूलर जो है जनकोजी राव वो अब बड़े हो गए हैं, वो केपेबल हो गए हैं रूल करने के, और बैजाबाई को जो है उनको ग्वालियर स्टेट के बाहर भेज दिया जाता है। बैजाबाई जो रहती हैं वो ग्वालियर में ही उनकी डेथ होती है, 1863 में उनकी डेथ हो जाती है। अब अगर बैजाबाई के हम आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, बैजाबाई के अगर हम आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं तो उसमें एक नाम आता है बैजा ताल, मतलब ये कोई लेक है जो कि जहाँ पे फेस्टिवल्स के टाइम पे सेरेमोनिकल जो वो रहती हैं, सेरेमोनीज जो रहती हैं वो परफॉर्म करी जाती थी, तो ये बैजा ताल का कंस्ट्रक्शन करवाती हैं कहाँ पे, ग्वालियर में। और इसके साथ ही एक गोपाल कृष्ण टेम्पल रहता है उज्जैन में, ये उसका भी कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो तभी होता है जब दौलत राव सूर्या रहते हैं, उसी टाइम पर ये कंस्ट्रक्शन गोपाल कृष्ण टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है ये ब्लैक स्टोन में बना हुआ है, और इसमें जो मूर्ति है, जो कृष्ण गॉड की जो मूर्ति है, कृष्णा गॉड की जो मूर्ति है, उसके पीछे ही एक बैजाबाई का भी स्टैचू बना हुआ है कि वो उनकी वर्शिप कर रही हैं। इस टाइप का कुछ इसका सेटअप है किसका, गोपाल कृष्ण टेम्पल का, जो कि उज्जैन में है। अब आप देखिए हम पढ़ किसको रहे थे, हम पढ़ रहे थे जनकोजी राव सिंधिया को, उसके बीच में हमने बैजाबाई को इसलिए पढ़ा बिकॉज इनका रूल भले ही 1827 से 1843 तक था, उस बीच में लेकिन बैजाबाई इनका रीजेंट बनके रूल कर रही हैं सिंधिया स्टेट को, तो इसीलिए हमने बैजाबाई का पूरा की पूरा ओवरव्यू ले लिया। अब हम देखते हैं जनकोजी राव सिंधिया के आगे का टाइम। अब क्या होता है कि ये जो है इनका, अब आप देखिए 1827 से तो ये राजा हैं भले ही छोटे हैं, अब 1827 से लेकर 1833 तक का टाइम तो क्या है, इनका स्ट्रगल में ही चला गया। किसके साथ स्ट्रगल में चला गया, ये बैजाबाई के ही साथ इनकी लड़ाई होती रही कि भाई मैं राजा हूँ, मुझे इंस्टॉल कर दो, मैं सही वाला मतलब इसका अधिकारी हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली चीज लिखी हुई है कि हिज मोस्ट ऑफ द टाइम वॉज एग्जॉस्टेड इन स्ट्रगलिंग विद बैजाबाई। बैजाबाई कौन थी जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था, इनको जनकोजी राव सिंधिया को। इसके बाद क्या होता है, इनकी डेथ भी जो रहती है वो बहुत ही यंग एज में हो जाती है, owing to a conspiracy। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स जो थे अब वो चाहते हैं सिंधिया स्टेट के ऊपर फुल कंट्रोल, तो वो क्या करते हैं कि ये इनको एक बैटल में मरवा देते हैं, कि इनको जनकोजी राव सिंधिया को। और इनकी डेथ कहाँ पर होती है, इनकी डेथ होती है लश्कर नाम की एक जगह रहती है, कहाँ पे, ग्वालियर में, वहां पे एक जगह रहती है ग्वालियर में लश्कर नाम की, वहां पे इनकी डेथ हो जाती है 1843 में। इनका भी अब चूंकि ये इतने यंग एज में इनकी डेथ हो गई है, तो इनका भी जो रहता है वो कोई भी सक्सेसर नहीं रहता है। इनकी जो वाइफ रहती हैं उनका नाम रहता है ताराबाई, और ताराबाई जो रहती हैं वो भी क्या करेंगी, अब जब जिसका कोई सक्सेसर नहीं है तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो किसी ना किसी को क्या करे, अडॉप्ट करे। तो ये भी क्या करती हैं, ये अडॉप्ट करती हैं एक भागीरथ नाम का, एक आप बोल सकते हैं कि माइनर चाइल्ड रहता है ये, उसको भागीरथ नाम के एक बालक को जो ये अडॉप्ट कर लेती हैं और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगी आगे जाके। भागीरथ का नाम भी बदल दिया जाएगा, और फिर आप आगे जाके देखोगे कि इनके टाइम पे बहुत ही लैंडमार्क इवेंट्स होते हैं, किसके, जो भागीरथ का जो रूल रहता है उनके टाइम पे बहुत ज्यादा लैंडमार्क इवेंट होते हैं। और 1857 का जो रिवोल्ट होता है वो भी इन्हीं के टाइम पर होगा। ठीक है, अब आप देखिए ताराबाई के ऊपर अगर आपको 3 मार्कर लिखने को आता है तो आप सिंपल लिख दोगे कि ये जनकोजी राव सिंधिया की वाइफ थी, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक भागीरथ राव नाम के एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया था, उनका सक्सेसर बनाया था, और इन्होंने इनके टाइम पे एक इनके खास पर्सन रहते हैं जिनका नाम रहता है दादा खासगी वाला। तो ये ताराबाई और जो दादा खासगी वाला रहते हैं ये थोड़े एंटी ब्रिटिश रहते हैं दोनों। कौन, ताराबाई और दादा खासगी वाला जो रहते हैं ये एंटी ब्रिटिश रहते हैं, और ये लोग क्या चाहते हैं, ये दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब वो सिंधिया को जो है वहां से निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। और अब दादा खासगी वाले को भी देख लेते हैं। दादा खासगी वाला जो है वो कौन थे, वो जनरल थे, ग्वालियर दरबार के जनरल थे, जिन्होंने मतलब जो कि क्या करते हैं, वो भी क्या चाहते हैं, एंटी ब्रिटिश हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डिफीट हो जाते हैं बाद में, मतलब इनका जो ये अटेम्प्ट रहता है ये फेल हो जाता है, किसका, ताराबाई का और दादा खासगी वाला जो पर्सन रहते हैं उनका। अब
ये जो भागीरथ नाम का जो माइनर चाइल्ड रहता है जिसको अडॉप्ट किया रहता है ताराबाई ने, उसका नाम पर क्या रख दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है जयाजी राव सिंधिया। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम जयाजी राव सिंधिया के बारे में पढ़ेंगे, जिनका रूल कब से कब तक था, जिनका रूल था 1843 से लेकर 1886 तक, किसका रूल था, जयाजी राव सिंधिया का। इनका सही नाम क्या था, इनका सही नाम जो था वो था भागीरथ राव। ठीक है, भागीरथ राव इनका सही नाम होता है, और ये क्या रहते हैं, ये अडॉप्टेड सन रहते हैं और सक्सेसर बनते हैं किसके, जनकोजी राव सिंधिया टू के। इनको अडॉप्ट किसने किया रहता है, इनको जनकोजी राव सिंधिया की जो वाइफ रहती है ताराबाई, उन्होंने क्या किया रहता है, उन्होंने अडॉप्ट किया रहता है। ठीक है, अब इनके टाइम पर जो एक लैंडमार्क इवेंट होता है, वो लैंडमार्क इवेंट क्या होता है, इनके टाइम पे लैंडमार्क इवेंट ये होता है कि ये हेड रहते हैं, रूलर रहते हैं कब, ग्वालियर स्टेट के, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, मतलब रिवोल्ट जब होता है 1857 का, उस टाइम पर जब रिवोल्ट होता है तो ये जो रहते हैं, ये पर्सन जो है, ये इनकी सही की आप समझ सकते हैं कि फोटो है। ठीक है, तो ये जो रहते हैं, ये हेड रहते हैं ग्वालियर स्टेट के जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहता है, और इस टाइम पे जो सिंधियाज रहते हैं, क्योंकि वो अलाइज हैं किसके, ब्रिटिशर्स के, तो बट ऑब्वियस वो साथ भी किसका देंगे, वो ब्रिटिशर्स का ही साथ देंगे, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप मतलब कि वो रानी लक्ष्मीबाई या उनके साथ के जो दूसरे रिबल्स रहेंगे वो उनका साथ नहीं देंगे, वो किसका साथ देंगे, वो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं, कौन, जयाजी राव सिंधिया। अब जब 1857 का रिवोल्ट होगा तो कौन, जयाजी राव सिंधिया साइडेड विद ब्रिटिश। अब ये ब्रिटिश पर साइड करने की पहले क्या रहता है कि जो ये जयाजी राव सिंधिया जो रहते हैं, ये थोड़े से आप ये बोल सकते हो कि ये डिलेमा में रहते हैं, ये डिलेमा में रहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनका साथ दिया जाए या ब्रिटिशर्स का साथ दिया जाए। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि इनके जो एडवाइजर्स, दो एडवाइजर्स रहते हैं, एक दिनकर राव रहता है जो कि इनका मिनिस्टर रहता है इनके स्टेट का, और दूसरा एक और जो पर्सन रहता है जो कि ब्रिटिश रेसिडेंट रहता है, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव टू ग्वालियर रहता है, उसका नाम रहता है मेजर चार्टरिस मैकफर्सन। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों पहले इनको बोलते हैं, सबसे पहली जो इनको एडवाइस देते हैं वो ये बोलते हैं कि अभी आप न्यूट्रल रहिए, ये बोलते हैं कि आप किसी का भी साइड मत दीजिए, है ना। फिर थोड़े टाइम बाद जब क्या होता है कि जब 1857 का रिवोल्ट जो है वो बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर लेता है, इनके पास में ग्वालियर की जो मुरार कैंटोनमेंट रहती है एक, मुरार कैंटोनमेंट जो रहती है वहां पे क्या रहते हैं, जो सोल्जर्स रहते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, सोल्जर्स जो रहते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग, अब पहले इन्होंने क्या बोला था, पहले तो ये सोच रहे थे कि किसका साथ दें, रिवॉल्यूशनरीज का साथ दें या फिर ब्रिटिशर्स का साथ दें। अब यहाँ पे ये जब ये वाली चीज जब होती है तो इनको जो ये इनके दिनकर राव और जो ये मैकफर्सन रहते हैं, ये इनको एडवाइस करते हैं कि देखिए आप ब्रिटिशर्स का ही साथ दीजिए। और इसका ये रीजन क्या देते हैं, बिकॉज ये बोलते हैं कि जीत जो होगी, जो ब्रिटिशर्स होंगे वही विक्टोरियस होंगे इस रिवोल्ट में, भले ये लोग रिवोल्ट कितना ही कर रहे हैं लेकिन जो ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स जो रहेंगे वो मतलब अल्टीमेटली इसको सप्रेस कर देंगे इस रिवोल्ट को, और इन्हीं की जीत होगी, तो इसलिए आप जो है इन्हीं का साइड दीजिए, ब्रिटिशर्स का साइड दीजिए। कौन बोलता है इनको, ये बोलते हैं कौन, दिनकर राव बोलते हैं और मैकफर्सन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, 1 जून 1858 को जब यहाँ पे मुरार कैंटोनमेंट में क्या हुआ है कि आप देख रहे हो कि विद्रोह हो चुका है, यहाँ पे रिवोल्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो ये रिवोल्ट होता है, ये जो सोल्जर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, ये सारी जो कम्युनिकेशंस की लाइन रहती है उनको कट कर देते हैं, जितनी भी ये कम्युनिकेशंस की लाइन रहती है कहाँ पे, ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में। ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में जितनी भी लाइंस रहती हैं ये इसको पूरा की पूरा कट कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, अब चूंकि ये इनके अलाई हैं और अब इन्होंने सोच लिया है कि मुझे ब्रिटिशर्स का साइड देना है, तो ये क्या करते हैं, जयाजी राव ये अपनी फोर्सेस भेजते हैं कहाँ पे, मुरार कैंटोनमेंट में। क्यों भेजेंगे,
टू फाइट अगेंस्ट द रीबल आर्मी, जो भी रीबल आर्मी है उसके उसको फाइट करने के लिए ये भेजेंगे अपनी सारी की सारी फोर्सेस। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हो रहा होता है, इन द मीन टाइम क्या हो रहा होता है, आप उसको भी एक पैरेलल व्यू में आप देख लीजिए कि जो लक्ष्मीबाई रहती हैं, जो झांसी की लक्ष्मीबाई रहती हैं, रानी लक्ष्मीबाई, वो प्लस इनके जो एलाई रहते हैं नाना साहेब, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सबको एक बोल सकते हैं लेटर लिखते हैं। जितने आसपास के जो लोग रहते हैं उनको, मराठास को वो लेटर लिखते हैं कि आप क्या करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए। किस चीज में सपोर्ट करिए, 1857 का जो रिवोल्ट हो रहा है उसमें आप हमारा सपोर्ट करिए। बिकॉज अब देखिए, अब आप यहाँ पे कंडीशन ये देखिए कि ये जो जयाजी राव हैं, इनको पहले ही जो इनके एडवाइजर्स हैं, जो दिनकर राव है और जो मैकफर्सन है, वो इनको पहले ही मना कर चुके हैं कि देखिए पहले न्यूट्रल थे, पहले आप डिलेमा के सिचुएशन में थे कि आप किसके साइड जाएं किसके साइड नहीं जाएं। लेकिन अब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स जो है उन्हीं की जीत होगी, तो आप जो है ब्रिटिशर्स का ही साइड रखिए। तो अब जब ये लेटर आएगा तो ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, कौन, जयाजी राव। अब जब ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जो फर्स्ट पार्टी जो है ये इनके खिलाफ हो जाएगी, किसके, जयाजी राव के खिलाफ हो जाएगी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई और जो नाना साहेब और एक राव साहेब करके भी रहते हैं, ये लोग जो रहते हैं ये वहां ये उनके खिलाफ हो जाएंगे। अब ये लोग क्या सोचेंगे कि इन्हीं का फोर्ट कैप्चर कर लिया जाए, वही बेटर रहेगा। ग्वालियर फोर्ट की तरफ ये मार्च करने लगते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ग्वालियर फोर्ट की तरफ मार्च करने लगते हैं। अब जो जयाजी राव सिंधिया रहते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है, जयाजी राव सिंधिया जो रहते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये लोग जो हैं रानी लक्ष्मीबाई एंड कंपनी जो है ये अब ग्वालियर की तरफ आ रही है, बिकॉज हमने इनका सपोर्ट नहीं किया है। तो ये क्या करते हैं, ये भागते हैं वहां से, ये एस्केप करने की सोचते हैं। उसमें भी ये क्या करते हैं कि जो इनकी फैमिली रहती है, फैमिली को ये भेज देते हैं नरवर फोर्ट में, और जो ये खुद रहते हैं मतलब खुद जयाजी राव जो रहते हैं ये आगरा भाग जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि इनको इस कंपनी का जो है वो सपोर्ट नहीं करना है, और फिर ये क्या करेंगे, ये एस्केप कर जाएंगे और ये आगरा चले जाएंगे और नरवर फोर्ट चले जाएंगे। जो बेसिकली हम जानते हैं वो यही स्टोरी जानते हैं कि सिंधिया जो थे उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। इसके साथ में एक पैरेलल स्टोरी भी चलती है, हमको वो भी जान लेना चाहिए। कहीं कहीं पर आपको ऐसा रेफरेंस मिलेगा कि जयाजी राव सिंधिया जो हैं वो जब जाते हैं अपना फोर्ट अबेंडन करके, ग्वालियर फोर्ट जब वो छोड़कर जाएंगे, कौन, जयाजी राव सिंधिया, तो वो उनके मन में शायद कहीं ऐसा रहता है कि उनको लक्ष्मीबाई की हेल्प करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो अपनी ट्रेजरी रहती है, अपनी जो ट्रेजरी रहती है उसकी जो कीज रहती हैं, वो अपने ट्रेजरर को बोल के जाते हैं कि ये कीज जो हैं ये आप किसको दे दीजिएगा, ये आप रानी लक्ष्मीबाई को दे दीजिएगा। और वो उस टाइम इनका ट्रेजरर होता कौन है, इनका ट्रेजरर जो रहता है उसका नाम होता है अमरचंद बाठिया। क्या करते हैं जयाजी राव सिंधिया कि अपनी जो बची हुई जो सोल्जर्स हैं उनको और अपना जो ट्रेजरर है उसको और अपने ट्रेजरी की जो कीज रहती हैं वो उनके लिए छोड़ के चले जाते हैं। किनके लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ये सिर्फ बोला जाता है, इसका मतलब जनरली यही बोला जाता है कि वैसे तो इन्होंने साथ नहीं दिया था, या आप ये बोल सकते हो कि ये पीछे की स्टोरी जो है ये वो हो सकती है, ठीक है। इसका भी अब इसमें क्या होगा बाद में, जो अमरचंद बाठिया हैं उनको क्या करेगी ब्रिटिश फोर्सेस, उनको हैंग कर देगी, उनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो जनरल ह्यू ग्रोव रहता है, जिसको पूना और उसके आसपास में इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली रहती है, वो क्या करता है, वो ग्वालियर पहुंचता है अपनी फोर्सेस के साथ, क्या करने, जो इन्होंने कैप्चर किया हुआ है इसको हटाने के लिए। बिकॉज इस टाइम तक क्या है, जो ग्वालियर है
वो अलाई है और टेरिटरी भी है ब्रिटिशर्स की, तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि इसको हम उनके कंट्रोल से आजाद करवा लें, उनके कंट्रोल से छुड़वा लें। तो ह्यूग रोज जो है वो ग्वालियर पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी फोर्सेस के साथ वहां पे धावा बोलते हैं। कहाँ पे? ग्वालियर फोर्ट पे। अब इनसे बचने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो रहती हैं वो क्या करती हैं, वो फोर्ट से ही अपने हॉर्स समेत क्या करती हैं, जंप कर देती हैं और फिर वो वहां पे फाइट भी करती हैं काफी हद तक। लेकिन एक टाइम पर आके उनकी, आप बोल सकते हो कि डिफीट एमिनेंट हो जाती है और तब उनकी डेथ हो जाती है। रिबल्स जो रहते हैं वो ग्वालियर जो जिसपे वो कैप्चर कर चुके रहते हैं रानी लक्ष्मीबाई के हेड में, उसको क्या करते हैं, जो जनरल ह्यूग रोज रहते हैं उसको वो रीकैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इनको भी रिस्टोर कर देते हैं। जयाजी राव सिंधिया जो भाग के आगरा चले गए होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको रिस्टोर कर देते हैं। इनको रिस्टोर कर देंगे कहाँ पे, इनके ग्वालियर फोर्ट में ही इनको रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। अब जयाजी राव सिंधिया जो है, ये इनके टाइम का जो एक लैंडमार्क इवेंट है वो आपने देख लिया पूरा की पूरा, है ना। जयाजी राव सिंधिया जो रहते हैं उनकी जो डेथ होती है वो कब होती है, वो 20 जून 1886 को उनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे होती है उनकी डेथ, उनकी डेथ होती है जय विलास पैलेस में, ये भी ग्वालियर में ही है। किसकी? जयाजी राव सिंधिया की डेथ हो जाती है कहाँ पे, जय विलास पैलेस में, जो कि ग्वालियर में है। अब हम जयाजी राव सिंधिया के थोड़े से आर्किटेक्चरल वर्क जो है हम उनको भी देख लेंगे। जयाजी राव सिंधिया ने एक मोती महल बनाया था। अब आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मोती महल जो है आपको बहुत कॉमन सा नाम हो जा रहा है, ये आपने भोपाल स्टेट के टाइम पर भी देखा था, ये आपने गोंड स्टेट के टाइम पर भी देखा था और ये आपका सिंधिया स्टेट में भी एक मोती महल है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर डायनेस्टी के रूलर्स ने एक मोती महल नाम की चीज जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाई हुई है। मोती महल जो है ये ग्वालियर में होता है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो जयाजी राव सिंधिया ने करवाया है। और आज की प्रेजेंट डे में अगर देखा जाए कि प्रेजेंट डे में मोती महल में क्या होता है, तो मोती महल जो है वो ऑफिस है किसका, कमिश्नर ऑफ ग्वालियर डिवीजन जो है उनका वो ऑफिस है मोती महल। ये किसने बनवाया था, ये महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था 18th century AD में, इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। अब ये इसका यूज क्या था, जब मध्य भारत का फॉर्मेशन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, मध्य भारत का जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर जो असेंबली हॉल था इसको, जो मोती महल था इसको असेंबली हॉल की तरह यूज किया जाता था उस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पे एक रंगमाला नाम का भी हॉल है, इसमें मोती महल में एक रंगमाला नाम का हॉल है जिसमें की बहुत अच्छी मतलब पेंटिंग से उसकी वॉल्स को जो है वो सजाया गया है। किसके? मोती महल के रंगमाला हॉल को बहुत सुंदर पेंटिंग से सजाया गया है। और ये मोती महल किसने बनाया था, ये जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था, ठीक है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, ये अलग से भी इसको आप नोट कर ले, ये इनका आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जयाजी राव सिंधिया का, लेकिन चूंकि अभी हमने देखा कि 1857 के टाइम पे क्या होगा, हो गया? हाँ मैम, हाँ। तो ये जो है ये इनका आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जयाजी राव सिंधिया का, लेकिन चूंकि अभी हमने 1857 का जो रिवोल्ट पढ़ा उसमें हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई की जो डेथ होती है वो ग्वालियर फोर्ट से ही वो कूद जाती हैं उस टाइम पर जब फोर्सेस वहां पर आती हैं और उनकी डेथ वहीं आसपास के एरिया में होती है, तो ये हम इसलिए देख ले रहे हैं कि छतरी ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो कहाँ पर है। जो महारानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ फाइट करा था, कौन सा, रिवोल्ट ऑफ 1847, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि शी जंप्ड ऑफ द ग्वालियर फोर्ट अलोंग विथ हर हॉर्स, अपना जो उनका हॉर्स था उसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर फोर्ट से जंप कर दिया था। और फिर बाद में जब ब्रिटिश आर्मी से सराउंड हो गई थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पर अपने ही जख्मों से वो करके। तो ये जो छतरी ऑफ है महारानी लक्ष्मीबाई, ये भी ग्वालियर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी फोटो है, इसी जगह पर ये गिरी थी, ठीक है। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है जय विलास पैलेस का। जय विलास पैलेस जो है ये भी ग्वालियर में ही है,
ठीक है। और ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, ये जयाजी राव सिंधिया ने कंस्ट्रक्ट करवाया है। ये भी जो है ये एक यूरोपियन स्टाइल कैसल है, मतलब यूरोपियन स्टाइल में एक छोटा सा जो किला टाइप आप बोल सकते हो वो बना हुआ है। और अभी के डेट में इसके कुछ रूम्स जो हैं, अराउंड 25 रूम्स जो हैं इसके, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, उनको जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पे जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में क्या होता है, जितने भी ये सिंधिया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका जो डिस्प्ले होता है, उनकी एग्जीबिशन आप बोल सकते हो, वो वहां पर लगी हुई है। पूरा उनके टाइम का हर एक चीज वहां पर लगाया हुआ है, किसमें, जीवाजी राव सिंधिया में। जब आप इस म्यूजियम में जाएंगे तभी तो आपको लगेगा कि आप उसी टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं। अब ये जो जय विलास पैलेस है, इसके आर्किटेक्चर कौन थे, इसको डिजाइन किसने किया था, ये जो आर्किटेक्चर थे इनका नाम था ल्यूटिनेंट कोलोनल, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, इनका नाम था ल्यूटिनेंट कोलोनल सर माइकल फिलोस। ठीक है, किसने ये जयविलास पैलेस को डिजाइन किया था, सर माइकल फिलोस ने ये जयविलास पैलेस को डिजाइन किया था। किसके टाइम पे, महाराजा जयाजीराव सिंधिया के टाइम पे, 1874 में। ये जो है इसमें थ्री स्टोरी है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये थ्री स्टोरी पैलेस है। ठीक है, और ये जो है इसका जो हर स्टोरी का जो आर्किटेक्चर है वो किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस है। मतलब ये नहीं है कि ये जो पूरा कैसल है ये सेम लाइन पर बना हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें जो थ्री स्टोरीज हैं, हर स्टोरी का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब जैसे जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें टस्कन आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। ये सिर्फ आपको वर्ड्स याद रखने हैं, इनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि टस्कन आर्किटेक्चर क्या होता है, इटालियन डोरिक आर्किटेक्चर क्या होता है। इटालियन डोरिक आप फिर भी थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया जब पढ़ोगे तो उसमें आप देख लोगे, लेकिन वैसे आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जय विलास पैलेस जो है ये इसकी जो थ्री स्टोरीज बिल्डिंग है ये, और इसका जो जो तीन स्टोरीज हैं उसमें जो फर्स्ट स्टोरी है वो टस्कन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी है, सेकेंड स्टोरी जो है वो इटालियन डोरिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी है, और थर्ड जो है वो कोरिंथियन जो डिजाइन होती है आर्किटेक्चरल स्टाइल वो उसमें बनी हुई है। किसने बनवाया है, ये जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया है जय विलास पैलेस। और इनकी डेथ भी जो रहती है आप देखिए यहीं पर ही होती है, जय विलास पैलेस में ही इनकी डेथ होती है। किसकी, जयाजी राव सिंधिया की। कहाँ पर डेथ होती है, जय विलास पैलेस में, जो इन्होंने बनवाया रहता है। इनके कुछ और आप अगर देखें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्किटेक्चर की तरफ, एक विक्टोरिया बिल्डिंग है या इसमें अब विक्टोरिया स्कूल चलता है, ये उज्जैन में है। एक कंपू कोठी है, ये ग्वालियर में है, ये अब उतनी ज्यादा एक्जिस्टेंस में नहीं है। एक गोरखी द्वार गेट है और एक डफरिन सहाय है, ये सब भी इनके आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस में आते हैं, पर ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इसलिए हम इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। हमें जो इम्पोर्टेंट था वो था जय विलास पैलेस, और दूसरा जो छतरी ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई थी वो हमने देख ली, और तीसरा जो मोती महल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है हमने वो देख लिया। अब आप देखिए हम कहाँ तक आ चुके हैं, में इनकी डेथ हो गई है, हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद इनके जो सक्सेसर आएंगे उनको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो लास्ट रहेंगे। उनके टाइम पर ही क्या होगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, और इन ग्वालियर जो स्टेट रहेगा उसका क्या होगा, मर्जर होगा इसमें इंडियन यूनियन में। मैम ये लास्ट वाली जो है इनकी लोकेशन कहाँ, गोर की कैंपू, वो मैटर नहीं करती है उतनी। कंपू कोठी तो ग्वालियर में ही है, गोरखी महल का, गोरखी महल मैंने आपको बताया था इससे पहले, वो भी ग्वालियर में ही है शायद, तो अब उसका गेट बनवाएंगे तो वो भी ग्वालियर में ही रहेगा। विक्टोरिया बिल्डिंग का मैंने बता दिया कि ये उज्जैन में है, ठीक है। यहाँ तक अभी जब जितना हमने पढ़ा सिंधिया डायनेस्टी को, उसमें किसी को कोई भी अगर डाउट है तो वो पूछ लो। इसके बाद कल हम देखेंगे किसको, जीवाजी राव सिंधिया को देखेंगे, और उनसे पहले एक माधव राव सिंधिया आएंगे उनको देखेंगे। ये दो अभी बचे हुए हैं, इनको हम कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इसको अगर हम आज कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो पूरा अराउंड आपका 1 आवर का टाइम जो है वो पूरा चला जाएगा, और फिर बीच में आप लोग बोलोगे कि अब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वॉइस आ रही है, यस मैम, एंड करें यहाँ पे, जी मैम, ओके, थैंक यू।